तो नहीं आ रही, कल की तरह है। हाँ ठीक है फिर। तो मोनोमेरिक जीटी पे समझ में आ गया क्या होता है? ऐसी प्रोटीन होती है जो सिंगल सब यूनिट से मिलकर बनी होगी और उसके पास में जीटीपी को जीडीपी में चेंज करने वाली एक्टिविटी होगी। अब थोड़ा सा 2 मिनट तो उसको रिवाइज कर लेते हैं ना, जो आपको पढ़ाया था लास्ट दो क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था? प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ाई गई थी। प्रोटीन टारगेटिंग में दो तरह की टारगेटिंग पढ़ाई थी आपको, एक तो पोस्ट ट्रांसलेशनली ट्रांसपोर्ट, दूसरा पढ़ाया था पोस्ट ट्रांसलेशनली ट्रांसपोर्ट। एक को CTT बोलते हैं, एक को PTT बोलते हैं। PTT केवल 4 सेल ऑर्गेनल में होता है, कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, परोक्षिसोम और न्यूक्लियस। CTT ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वेसाइकल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ECF में होता है। PTT जो होता है प्रोटीन के बनने के कंप्लीट बनने के बाद में स्टार्ट होता है ना, और CTT प्रोटीन के बनने के साथ साथ में ही ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको PTT में, जैसे एक तो ये न्यूक्लियस वाला बताई दिया ना, CTT में आपको बताया था सबसे पहले कोई भी प्रोटीन अगर बनेगी तो सबसे पहले कहाँ पर जाएगी? वो सबसे पहले ER में जाएगी। जैसे ही प्रोटीन का ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा कहाँ पर? ER की मेम्ब्रेन पर बाउंड जो राइबोसोम होते हैं, तो वहाँ पे जैसे ही प्रोटीन या पेप्टाइड बाहर निकल के आता है राइबोसोम से, तो उसके ऊपर कौन बाइंड कर जाएगा? SRP है ना, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। क्या बताया इसके बारे में खास बात? ये एक राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है जिसमें 7SLSC RNA मिलता है। जब ये बाइंड कर जाता है तो ये पेप्टाइड एग्जिट चैनल को ब्लॉक कर देता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन पॉज हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अब अगर आपको ट्रांसलेशन को वापस से कंटिन्यू करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये SRP जो है SRP रिसेप्टर के पास में जाएगा और जो ट्रांसलोकन था SAC61 SAC63 कहाँ पर मिलता है? ये ER की मेम्ब्रेन पर मिलता है। तो वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स जाता है और जैसे ही SRP रिसेप्टर के कांटेक्ट में आता है तो GTP का हो जाता है हाइड्रोलाइसिस, जिसकी वजह से SRP डिसोसिएट हो जाएगा और ट्रांसलोकॉन ओपन हो जाएगा। अब जो भी नई प्रोटीन बनेगी वो कहाँ पे चली जाएगी? ER के अंदर चली जाएगी। ER के अंदर जाने पर उसके अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम बताया था सिग्नल पेप्टाइडेज, जो भी मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है ना, ये क्या करेगा? सिग्नल सिक्वेंस को क्लीव कर देगा। अब अगर कोई भी प्रोटीन ER के अंदर रहना चाहती है, ER की जो रेजिडेंट प्रोटीन है, तो उसके ऊपर कौन सा सीक्वेंस मिलना चाहिए? KDEL सीक्वेंस मिलना चाहिए। अगर कोई प्रोटीन ER की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहना चाहती है तो उसके ऊपर क्या मिलना चाहिए? KKXX सीक्वेंस मिलना चाहिए ना, ये आपको बता दिया था। फिर ER के अंदर जाने पर प्रोटीन के साथ में क्या क्या होता है? ER के अंदर जाने पर सबसे पहले होगा ग्लाइकोसाइलेशन, N लिंक वाला या O लिंक वाला? एन लिंक वाला ग्लाइकोसाइलेशन होता है। कौन से अमाइनो एसिड के ऊपर लगाई जाएगी कार्बोहाइड्रेट? एस्पिराजीन के ऊपर है ना। सीक्वेंस क्या होना चाहिए? एस्पिराजीन एक्स सेरीन या एस्पिराजीन एक्स थ्रियोनिन। एक्स बराबर क्या नहीं होना चाहिए? प्रोलिन नहीं होना चाहिए ना, ये हमने देख लिया था एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। फिर उसके बाद में ग्लाइकोसाइलेशन के नाम पर हमने अटैच क्या किया था प्रोटीन के ऊपर? कौन से मॉलिक्यूल अटैच किए थे? दो तो एन एसिटिल ग्लूकोजामिन और 9 मैनोज और 3 ग्लूकोज अटैच कर दिए थे ना, ये किया था ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन की शुरुआत कहाँ से होती है? डॉलिकॉल एक लिपिड होता है जो मेम्ब्रेन में मिलता है, उसके ऊपर सबसे पहले एन एसिटिल ग्लूकोजामिन आके जुड़ते हैं, वहाँ से होती है शुरुआत। और ग्लाइकोसाइलेशन को ब्लॉक कौन करके जाता है? ट्यूनकामाइसिन एक ड्रग है एंटीबायोटिक का, जो इसको क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। फिर उसके बाद में आपको बताया था एक स्टेप तो आता है ग्लाइकोसाइलेशन, एक आता है ग्लाइकोसाइडेशन। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन के साथ जुड़ना, और ग्लाइकोसाइडेशन लिपिड के साथ जुड़ना है ना ग्लाइको। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि ग्लूकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहाँ पर मिलेगा तो कहाँ पे बताओगे? ER में। ग्लूकोसाइडेज कहाँ पे मिलेगा? वो भी ER में, मतलब ग्लूकोज लगाया भी जाता है और हटा भी देते हैं ना उसको, तो दोनों ही ER में मिलते हैं। फिर अब अपने को क्या करना है? प्रोटीन में बनाने कौन से बॉन्ड? डाइसल्फाइड बॉन्ड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने है ना। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम क्या बताया? PDI, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। ये क्या करता है? ये खुद पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में मिलता है, और जबकि आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन करना होता है। तो उसमें जो पहले से ही SH मिलते हैं उसमें से हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को उठाना है, कोई लेने आएगा उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन, और दूसरे का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। तो फिर बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा एंजाइम आया? PDI आया है ना, प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज। खुद ऑक्सीडाइज था और जैसे ही प्रोटीन से इसने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लिए तो क्या हो गया? ये
रिड्यूस हो गया। तो इसने तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिया प्रोटीन, लेकिन खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। अब इसको रिड्यूस ही रखना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन आया, एरो वन, और एरो वन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कौन आया, एरो टू, और एरो टू को करने के लिए पता नहीं कोई ना कोई आएगा, डिस्कवर करेंगे ना बाद में। तो ये तो अपना इस तरीके से डाइसल्फाइड टप्पू प्रोटीन आया था, नहीं आएगा मतलब ये आगे आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया प्रोटीन में। अब उसके बाद में हमें प्रोटीन की क्या करनी है, फोल्डिंग करनी है ना। तो प्रोटीन फोल्डिंग भी कहाँ पे होती है, ईआर में होती है। तो ईआर में सबसे पहले प्रोटीन फोल्डिंग के लिए कुछ प्रोटीन बताई थी मैंने आपको, कौन कौन सी बताई, काल नेक्सिन, काल रेटिकुलिन और एक विप प्रोटीन बताई थी, है ना। ये काल नेक्सिन और काल रेटिकुलिन के बारे में क्या बताया आपको, ये कैल्शियम बाइंडिंग लैक्टिन्स है, मतलब ये कैल्शियम से भी बाइंड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से भी बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग हो जाती है, कुछ प्रोटीन मतलब मिसफोल्ड या गलत तरीके से भी फोल्ड हो जाती हैं, तो उनको हम कहाँ पे भेज देते हैं, डिग्रेडेशन के लिए। एक नाम सुना होगा आपने, यूपीएस, नाम सुना है यूपीएस, जो कंप्यूटर के साथ में आता है, नहीं सुना यूपीएस, लाइट वगैरह चली जाती है ना तो कंप्यूटर बंद नहीं होता, उसके लिए एक छोटी सी वो इन्वर्टर आता है, उसको बोलते हैं यूपीएस। और सेल में यूपीएस क्या होता है, यूबीक्यूटिन प्रोटियासोमल सिस्टम, मतलब कोई प्रोटीन अगर डिग्रेड करनी होती है तो उसको यूपीएस में भेजते हैं डिग्रेड करने के लिए। तो जहाँ भी यूपीएस आएगा इसका मतलब प्रोटीन का क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। ये तो बाद में ना बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे ये बातें। चलो ये वाली कहानी समझ में आ गई, तो प्रोटीन की क्या हो गई, फोल्डिंग हो गई। अब प्रोटीन का क्या करना है और कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हो सकता है इसमें, अब प्रोटीन का करना होता है क्लीवेज। तो प्रोटीन की क्लीवेज भी कहाँ पे होती है, ईआर के अंदर। और क्लीवेज करने के बाद में अब प्रोटीन को क्या करेंगे, बेसाइकल बना के और कहाँ पे भेज देते हैं, गोल्जी बॉडी में। अब आगे का जो फर्दर मॉडिफिकेशन है वो कहाँ पे होता है, गोल्जी बॉडी में होता है। तो गोल्जी बॉडी में क्या क्या होता है, एक तो ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है। ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन कौन से अमीनो एसिड के ऊपर होगा, सेरीन के ऊपर, और थ्रियोनिन के ऊपर भी हो सकता है। तो ये तो हो गया ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन। और क्या होता है, ग्लाइकोसाइलेशन और डी ग्लाइकोसाइलेशन, मतलब यहाँ भी ग्लाइकोसाइलेशन होगा और डी ग्लाइकोसाइलेशन भी होगा। फिर उसके बाद में और क्या होगा गोल्जी बॉडी में, क्या बताया, ट्रिमिंग होगी ना प्रोटीन की। क्लीवेज में तो कट किया जाता है, ट्रिमिंग में क्या होगा, एक एक करके अमीनो एसिड को हटाया जाएगा ना किसी भी टर्मिनल से। तो ये होगी प्रोटीन की ट्रिमिंग। ट्रिमिंग करने के बाद में फिर प्रोटीन पहले सिस से मीडियन में, मीडियन से ट्रांस गोल्जी में आएगी। ट्रांस गोल्जी में आके क्या होगा प्रोटीन के साथ, अब उसको बेसाइकल में पैक कर दिया जाएगा। तो ट्रांस गोल्जी से कौन सी वाली बेसाइकल बनती हैं, ट्रांस गोल्जी से एडेप्टर प्रोटीन कौन सी आती है, एपी वन या एपी थ्री, और कौन सी प्रोटीन आ सकती है, क्लैथरिन प्रोटीन। फिर यहाँ से बेसाइकल बनने के बाद में वो लाइसोसोम में भी जा सकती है, वो परोक्सीसोम में भी ले जा सकती है प्रोटीन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी ले जा सकती है, और ईसीएफ में भी ले जा सकती है, या फिर खुद बेसाइकल की फॉर्म में ही रह सकती है। तो दो तरह की बेसाइकल बनती है ना, एक तो होती है रेगुलेटरी और एक होती है कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव बेसाइकल तो ऐसी होती हैं कि उनको किसी स्पेशल सिग्नलिंग की ज़रूरत नहीं होती, बनने के बाद में वो अपने आप ही सेल से बाहर जाती रहती हैं। लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन है या जो साइटोसिस की रेट है वो स्लो मिलेगी या फास्ट मिलेगी, स्लो मिलेगी। और कुछ होती हैं रेगुलेटरी वेसाइकल जो वेसाइकल की फॉर्म में पैक रहेंगी, अब उनको वेट होता है कैल्शियम के आने का। जैसे ही कैल्शियम या कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल आता है तो उनका क्या हो जाता है, एक्जोसाइटोसिस हो जाता है और उनको सेल के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। ये हो गया आपका किसी भी प्रोटीन का फेट हो गया ना। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई वेसाइकल बनानी है तो उसके लिए कौन सी प्रोटीन लेके आते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसाइकल बनाने के लिए एपी टू और क्लैथरिन। अगर आपको सिस गोल्जी से वेसाइकल बनानी हो, सिस से कौन सी बनेगी, कॉफ वन, और ईआर से कौन सी बनती है, अच्छा अगर किसी प्रोटीन में केडीएल सीक्वेंस है तो प्रोटीन कहाँ कहाँ पर देखने को मिल सकती है, ईआर में और गोल्जी बॉडी में भी मिल सकती है ना। हो सकता है कि वो मॉडिफिकेशन के लिए गई हो तो गोल्जी बॉडी में भी मिल जाएगी। तो ये जो था आपका सीटीटी था ना कम्प्लीट। उसके बाद में आपको पीटीटी में क्या बताया था, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्टेशन बताया ना, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी होता है। समझ में आ गई बात पीयूष, इतना टफ थोड़ी जितना आपको लग रहा था। वैसे प्रोटीन टारगेटिंग वो लग रहा था शुरुआत में, लेकिन इतना नहीं है ना, याद करोगे घर जाके दो बार तीन बार पढ़ोगे तो वो ईजी हो जाता है फिर। क्या कॉप फर्स्ट ईयर में आती है, मतलब कॉप फर्स्ट के दो काम है, एक तो इंट्रा गोल्जी नेटवर्क और गोल्जी से वापस आना हो ईआर के लिए
तो उसमें भी कॉप फर्स्ट। और अगर ब्लॉक करना हो आपको कॉप फर्स्ट को तो क्या लाओगे? वीरीफेल्डेन एक ड्रग था। तो अब आपकी थोड़ी सी मेमोरी चेक कर ली जाए ना। मेमोरी चेक करती कॉपी पलटने लग गए। तो अनिल, एक नाम सुना है बाट्राकोटॉक्सिन? नहीं सुना अनिल ने, तो नहीं सुना नाम। दीप का सुना है क्या बाट्राकोटॉक्सिन? नहीं सुना, ये तो बताया ही नहीं, तो सुना कहाँ से होगा। सत्य जी सुना है क्या बाट्राकोटॉक्सिन? फ्रॉग से मिलता है और एन ए प्लस के चैनल को ओपन रखता है। तो ज़्यादातर लोगों ने तो नाम ही नहीं सुना इसका, इसका मतलब मैंने पढ़ाया नहीं होगा। है नया पढ़ाया था क्या? टप्पू पढ़ाया था क्या बाट्राकोटॉक्सिन? नहीं याद है ना, पढ़ाया ही नहीं था, याद कहाँ से रहेगा। अब सोच के देखो क्या होगा अगर ये आपको सबसे कम मिनिमम से मिनिमम कंटेंट दिया जाता है ना नेट के लिए, इससे कम और कंटेंट नहीं दिया जा सकता। अब आपकी देखो इतने कम कंटेंट में ये हालत है, तो आप खुद सोच के देखो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दे दिया जाए ऐसे अनअकैडमी की तरह तो क्या हालत होगी आपकी। अभी ये तो अभी लेटेस्ट हालत है ना, मतलब कुछ दिन पहले तो पढ़ाया, अभी 2-3 दिन हुए हैं अभी, और लग ऐसे रहा है कि सदियाँ गुजर गई। ऐसे तो लग रहा है ना कि पढ़ाया ही नहीं। तो देखो मैं इसलिए तो बार बार बोलता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है ज़्यादा पढ़ने वालों के लिए नहीं बना, कम पढ़ लो, बार बार पढ़ लो बस उसी को। एक बार कंटेंट सेलेक्ट कर लो, कम कर लो, भले कोई दिक्कत नहीं है, बस उसी को बार बार पढ़ते रहो ना, उद्धार हो जाएगा आपका। ज़्यादा के चक्कर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। चलो अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर, साइटोस्केलेटन। इधर से दिखता है पूजा आपको यहाँ से? फिर ठीक है, दिखता है तो। दीपिका आप कल आए थे क्या? मेरे को लग रहा है ऐसा, कल आप एब्सेंट थे। सपना आप आवाज निकल पा रही है क्या अपनी? आज शाम को खाना नहीं खाना है ना? कल अपनी तरफ से मिल रहा है ना? नहीं शाम को भी नहीं खाना, नमक का पानी पी के आना है बस केवल। क्या? अरे जितना आप लड़कियों के लिए तो जितना खा सकते उतना है, लड़कों के लिए एक टाइम का है। आप एक बार खाओगे तब भी उतना खाओगे, पूरे दिन खाओगे तब भी उतना खा पाओगे। देखो अब ना साइटोस्केलेटन होता क्या है, जैसे कोई भी बॉडी होती है तो उसके अंदर एक स्केलेटन मिलता है उसको मैकेनिकली सपोर्ट करने के लिए। जैसे अपनी बॉडी जो है, तो साक्षी अपनी बॉडी में स्केलेटन का काम कौन करता है? अपनी बॉडी में स्केलेटन का काम कौन करता है? बोन्स करती है ना अपनी बॉडी में, बोन्स जो है अपने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके जाती हैं, तो बोन्स अपनी बॉडी का क्या हो गया? स्केलेटन हो गया। वैसे भी तो अपन स्केलेटन पढ़ते हैं ना, तो उसमें बोन्स के बारे में तो पढ़ते हैं स्केलेटन में। तो कोई सी भी बॉडी होती है उसको मैकेनिकली सपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। तो ये बोन्स तो अपनी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम है। अगर एक कोशिका की बात करें तो कोशिका का शेप कैसा होता है आपने पढ़ा होगा, हेक्सागोनल या मोस्टली स्फेरिकल शेप में होती हैं सेल्स। तो उसका जो स्फेरिकल शेप है वो मेंटेन करके कौन जाता है? तो उसके लिए कोई ना कोई उसमें मिलता होगा सिस्टम। तो सेल को जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके जाता है उसका नाम हमने क्या दिया है? साइटोस्केलेटन दिया है। बोन्स तो अपनी बॉडी का साइटोस्केलेटन है। जैसे कुछ प्लांट होते हैं, कुछ प्लांट पानी में मिलते हैं और वो केवल पानी में ही खड़े रह सकते हैं अगर पानी से आपने बाहर निकाल दिए,
तो वो मतलब खड़े नहीं रह पाएंगे, तुरंत मुरझा जाएंगे और नीचे गिर जाएंगे। तो इसका मतलब उनमें भी कोई ना कोई मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रहा था। तो कौन कर रहा था प्रतीक्षा? फोन कर रहा था उनमें? अरे खुद बॉटरी कर रहा था। नाम सुना होगा ना आपने, हाइड्रो स्केलेटन सुना है? मतलब पानी भी किसकी तरह काम कर सकता है, एक स्केलेटन की तरह काम कर सकता है। जब तक वो पानी में रहते हैं तब तक तो सही सलामत हैं, और पानी से बाहर निकालते ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं उनका। तो खुद बॉटरी किसका काम करता है? हाइड्रो स्केलेटन का काम करता है। तो एक सेल के पास में जो स्केलेटन है उसके लिए कुछ प्रोटीन्स मिलती है ना, जो सेल को मैकेनिकली सपोर्ट करके जाती हैं, सेल के शेप को क्या रखती हैं, मेंटेन करके रखती हैं। तो उसके लिए कौन कौन सी प्रोटीन है? माइक्रोटिब्यूल, माइक्रो फिलामेंट और इंटरमीडिएट तो एक सेल में कितनी तरह की प्रोटीन मिलती है सपोर्ट के लिए? तीन तरह की मिलती है ना, माइक्रोटिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो सबसे पहले हम किसको देखेंगे? अब माइक्रोटिब्यूल को देखेंगे। इसमें आप डेफिनेशन लिखो तो लिख लो, बाकी डेफिनेशन अपने एग्जाम में आनी नहीं है, ऐसे लिख लो, है ना। जो भी बीएससी एमएससी वाले हैं वो लिख लो, है ना। तो आज पार्टी कहाँ हो रही बाहुबली फिल्म? बाहुबली एक दिन बढ़ा है मेरे से। बाहुबली अपनी डेट ऑफ बर्थ कितनी? 95 96 98 नहीं, ओरिजिनल वाली 96। बाहुबली एक दिन बड़ा है मेरे से। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तब मेरी एज कितनी थी? 21। हाँ क्या? अभी आपसे एक साल कम है बस। नहीं, जब जागो तभी सवेरे, ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कुछ लोग बस देरी से जीना शुरू करते हैं, बाकी ज़िंदगी तो सबको मिलती है। रानू आप कहाँ चले गए दो तीन दिन से? ज़्यादा हो गए शायद, आपको तबीयत ख़राब हो गई? तबीयत तो पहले ही ख़राब हो गई थी, अब तो कुछ और रीज़न होगा। ऊपर जी एक्सपायर हो गए, तो तबीयत तो एक महीने में एक या दो बार ही ख़राब होती है ना। चलो तो अब माइक्रोटिब्यूल के बारे में देखते हैं ना। पहले इनके अच्छा डेफिनेशन लिखा रहा था मैं, साइटोस्केलेटन की लिखो। सिस्टम या प्रोटीन्स, सिस्टम्स या प्रोटीन दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ए सेल, दैट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू ए सेल। लिख लिया। एक ऐसा सिस्टम जो सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करके जाएगा, उसी को हमने क्या बोला है? स्केलेटन बोला है। तो एक सेल के रेफरेंस में तो उसको साइटोस्केलेटन बोल दिया, अगर बॉडी के रेफरेंस में बोलेंगे तो उसको स्केलेटन नाम दे देते हैं ना। तो स्केलेटन कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुल मिला के मोस्टली केस में कैसा होता है, ये सॉलिड पार्ट होता है ना। जैसे बोन्स कैसी होती है मीनू?
बॉन्स लिक्विड या सॉलिड? कैसी होती हैं बॉन्स? बॉन्स सॉलिड होती हैं। कौन सी स्टेट में मिलती हैं बॉन्स? लिक्विड या सॉलिड? सॉलिड ही मिलती हैं। अभी मैं सोच रही है सॉलिड या बॉन्ड कौन सी फॉर्म में मिलती है देख लो, सोच लो एक बार। सॉलिड में मिलती है ना? हाँ सॉलिड में मिलती हैं। तो ये समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। आप माइक्रोट्यूबुल पढ़ रहे हैं ना, तो माइक्रोट्यूबुल जितनी भी ये ना मैंने आपके सामने प्रोटीन लिखी है, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर, ये लिख लो है ना लाइन। जितने भी साइटोस्केलेटन प्रोटीन है सब की सब कैसी मिलती हैं? पॉलीमर की फॉर्म में मिलती हैं, ये लिख लो। ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन पॉलीमर फॉर्म, ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इन पॉलीमर फॉर्म। अभी तो नरेश की दो दो पार्टी बाकी हैं। नरेश को तो जानते हो ना? नहीं जानते? ये बैठा है पीछे कोई नरेश। सर वो इनविटेशन लेने आया था सर, गलत बात है। वो इनविटेशन तो बस एक स्टेटस लगा देंगे सबके लिए, वैसे ही पहुंच जाएगा वो। तुम तो आपको बताया कोई शादी तो नहीं रही जो कार्ड देने तो अभी स्टेटस लगेगा, जो भी रीड करके आ सकता है वो आ जाओ। किसी को ऐसे ईगो हो कि मतलब सर फोन करेंगे तभी आएंगे तो मत आओ। भाई देखो आपको बताया कि जैसे स्टेटस लगाया और आपने देख लिया और आप अभी जयपुर में ही हो तो आने में क्या दिक्कत है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पर्टिकुलर हर किसी के पास फ़ोन करेंगे तो आपको पता है कि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो जो स्टेटस आपने देख लिया बस उसी को इनविटेशन समझा जाए। तो नरेश की दो दो पार्टी बाकी हैं, एक तो अभी बर्थडे निकल के गया नरेश का, दूसरा भी JRF हो गया ना BSC के साथ में, तो दो दो पार्टी बनती हैं। और सबको ही मिलेगी पार्टी तो, बाकी वैसे आपका अधिकार तो नहीं है, जो पुराने हैं उनके। चलो है ना, अब लिख लिया आपने इसमें। ऑल प्रोटीन कैसी होती हैं? पॉलीमर फॉर्म में मिलती है ना। तो अरशद ये आपके साथ ही एडमिशन ले लिया इसने ना अभी सुबोध में, तो अभी आपका बैचमेट ही जूलॉजी से है ना ये भी, हो सकता है कॉलेज में मुलाकात नहीं हो। क्या? हाँ हाँ। देखो अब माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में समझते हैं ना, माइक्रोट्यूब्यूल क्या होती है। तो माइक्रोट्यूब्यूल मैंने बताया ना, ये सारी प्रोटीन पॉलीमर है, तो क्या ये भी पॉलीमर होगी? माइक्रोट्यूब्यूल भी क्या होगी? पॉलीमर होगी। अब किसका पॉलीमर होगी? तो माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमर है किसकी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की। अब ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन खुद दो टाइप की होती है, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन। अब एक सेल में कभी भी ये पॉलीमराइज होने के लिए आएंगी तो ऐसे अल्फा और बीटा अलग अलग नहीं आती है ना, ये कौन सी फॉर्म में मिलती है मेनली? ये खुद डाइमेरिक फॉर्म में मिलती है। इधर ऐसे लिख लेता हूँ, अल्फा और बीटा। मोस्टली जो भी प्रोटीन आपको पॉलीमराइज करनी होती हैं, प्रोटीन ही कोई भी मॉलिक्यूल होता है, तो उसके जो मोनोमर होते हैं वो एक सेल में इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। जैसे आपको पता है जैसे सेलुलोज है, सेलुलोज किसका पॉलीमर है? सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? कुछ भी याद नहीं है। अब स्टार्च किसका पॉलीमर है? प्रतीक्षा किसका पॉलीमर है? स्टार्च सारे ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, चाहे स्टार्च हो या सेलुलोज हो, और भी है ना बहुत सारे पॉलीमर हैं। तो आपको पता है हम खाना खाते हैं, खाने में ग्लूकोज होता है नहीं होता? होता है। तो वो ग्लूकोज अपने अंदर जाके सेलुलोज बनाएगा नहीं बनाएगा? सेलुलोज ग्लूकोज ही तो बना हुआ है, स्टार्च बनाएगा। तो अपने ब्लड में स्टार्च मिलेगा या नहीं मिलेगा फिर? स्टार्च प्लांट में मिलता है, एनिमल में नहीं मिलता। एनिमल में क्या मिलता है फिर? कोलेस्ट्रॉल। अरे आपको सेलुलोज प्लांट में मिलता है, और सेलुलोज बना के कौन जाता है? मतलब सेलुलोज ग्लूकोज ही तो बनता है, तो वो ग्लूकोज तो अपने खाने में भी होता है, अपने ब्लड में भी मिलता है, तो वो जुड़ के ग्लूकोज सेलुलोज क्यों नहीं बना लेता?
मतलब बनेगा नहीं अपने अंदर अपने अंदर एनिमल्स में नहीं बनता है एमाइलोज, नहीं बनता भाई। प्लांट जैसे आपने पढ़ा होगा कि प्लांट में जो रिजर्व फूड होता है वो तो होता है क्या, स्टार्च। और एनिमल में क्या पढ़ा था, ग्लाइकोजन। आप चलो ग्लाइकोजन की बात कर लेते हैं, ग्लाइकोजन खुद किससे बना हुआ है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। और एमाइलोज खुद किससे बना हुआ है, वही ग्लूकोज से। ले दे के बाद फिर से ग्लूकोज पा गई। तो जैसे अपने ब्लड के अंदर मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज मिल रहा है, तो वो जुड़ के मतलब स्टार्च या फिर सेलुलोज क्यों नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा? तो देखो ऐसे ही अपने ब्लड में अमाइनो एसिड मिल रहे हैं, तो क्या वो जुड़ के प्रोटीन बनाएंगे, बनाएंगे? अपने ब्लड में अमाइनो एसिड मिलते हैं, नहीं बनाएंगे। जबकि प्रोटीन किससे बनी हुई है, अमाइनो एसिड से। तो फिर भी वो जुड़ के प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे, बनाना चाहिए ना। तो देखो इसके पीछे एक ही रीज़न है, ऐसे ही अपने एनवायरनमेंट में आपको पता ना बहुत सारी गैसेज मिलती हैं, और जैसे वाटर बनाना है तो H2 और O2 दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, वाटर। लेकिन क्या बनाते हैं एनवायरनमेंट में, नहीं बना रहे। जबकि दोनों मिल रहे हैं बना सकते थे, क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि मोस्टली जो मोनोमर होते हैं वो अपनी इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं, तो उनको पॉलीमराइजेशन करने के लिए एक्टिवेट करना होता है, और एक्टिवेट करने के लिए मोस्टली केस में कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड अटैच करना होता है, क्योंकि जोड़ने के लिए आपको बॉन्ड बनाना पड़ेगा। पॉलीमर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे आप दो ग्लूकोज ग्लूकोज को जोड़ोगे तो बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और मैंने आपको पहले एक बात बता दी कि बॉन्ड ही एनर्जी है और एनर्जी ही बॉन्ड है। कहीं भी आप ऐसे समझते हो ना कि मतलब अपने जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो गई, इसका मतलब क्या हुआ होगा, वहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा और उससे जो एनर्जी थी बॉन्ड की वो रिलीज हो गई। अगर आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है और आप बोल रहे हो कि ये एनर्जी हमने प्रिजर्व करके रख दी, इसका मतलब क्या किया होगा आपने, कोई नया बॉन्ड बना दिया। जैसे मोस्टली केस में हम क्या करते हैं कि ATP को हमने एनर्जी करेंसी बोल दिया, क्यों बोला है, क्योंकि उसमें जो फॉस्फेट बॉन्ड है, जो कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो एंड हाइड्राइड बॉन्ड, वो क्या एक बॉन्ड है, वो एनर्जी की फॉर्म है। जब हमें एनर्जी लेनी होगी तो उस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस बॉन्ड को बना देते हैं। समझ में आ गई बात। तो सब कुछ मिलते हुए भी ये मोनोमर पॉलीमर क्यों नहीं बनाते, क्योंकि कौन सी फॉर्म में मिलते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। अगर आपको पॉलीमर बनाना है तो पहले उनको क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। तो ऐसे ही ये अल्फा और बीटा अभी मोनोमर हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं ना। ये अलग अलग ऐसे अल्फा बीटा की फॉर्म में नहीं मिलते, मोस्टली किस फॉर्म में मिलते हैं, डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। और दोनों के साथ में क्या अटैच रहता है, दोनों के साथ में कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहेगा, GTP। GTP क्यों लाए, लेके आए हमें यहाँ पे, क्यों लेके आए GTP? अभी क्या बताया प्रतीक्षा, अगर आपको पॉलीमर बनाना है तो मोनोमर को क्या करना पड़ता है, एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट करने के लिए क्या लेके आते हो आप, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड लेके आते हो, है ना। आप GTP ला सकते हो, अगर ATP लाना चाहते हो तो ATP ला सकते हो। जैसे अगर आपने थोड़ा बहुत आइडिया हो आपको, तो जब सेलुलोज या स्टार्च कुछ भी बनता है तो ग्लूकोज जब आते हैं तो डायरेक्ट ग्लूकोज की फॉर्म में आते हैं या UDP ग्लूकोज की फॉर्म में आते हैं, नहीं है आइडिया कोई भी, UDP ग्लूकोज की फॉर्म में आते हैं ना। क्या अकेला ग्लूकोज आके पॉलीमर बना सकता है, नहीं। बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी कहाँ से लाओगे, गुड मॉर्निंग आ जाओ बैठो, जगह नहीं है पर आज और भी कोई थोड़ी आ रहा है पीछे अब एडमिशन नहीं लेंगे इसमें ना, अब इवनिंग वाले में लाओ जो भी आए। अब जो रिपीटर स्टूडेंट हैं उनको तो भगा नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे एग्रीमेंट में साइन इनके की लाइफ टाइम फ्री आपके लिए जब तक क्लास लेना चाहो तब तक ले सकते हो क्या हाँ बोला था तभी तो नहीं, रिपीटर को नहीं भगाएंगे ना, एक बार फ्रेशर को भगा दें, कोई दिक्कत नहीं चलो, है ना। ये देखो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी आपको कोई भी पॉलीमर बनाना होगा तो आपको मोनोमर के साथ में क्या अटैच करना होगा,
या तो ATP या GTP या कुछ ना कुछ आपको क्या अटैच करना होगा, न्यूक्लियोटाइड अटैच करना होगा, क्योंकि जहाँ भी पॉलीमर बनता है तो वहाँ पे क्या बनता है, कोई नया बॉन्ड बनता है, और नया बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी मोस्टली केस में कहाँ से आती है, न्यूक्लियोटाइड से आती है। तो आप ATP, GTP, UTP, CTP जो भी आपके पास हो सकता है उनमें से कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो अकेला ग्लूकोज आके क्या पॉलीमर बना सकता है, नहीं बना सकता, अकेला ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज के साथ में नहीं जुड़ सकता। जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। आप कहाँ से लाओगे एनर्जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई जैसे UTP लेके आते हैं, तो UTP को जैसे ही ग्लूकोज के साथ में अटैच करेंगे तो उसमें से एक फॉस्फेट तो निकल जाएगा, और उस बॉन्ड से जो एनर्जी रिलीज होगी उस बॉन्ड से वो ग्लूकोज के साथ में जुड़ जाएगा ना, तो बचेगा क्या, UDP, तो बन जाएगा क्या, UDP ग्लूकोज। समझ में आ गया, डायरेक्ट UDP भी बिना एनर्जी के ग्लूकोज के साथ में नहीं जुड़ सकता, उसको जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो UTP में से एक फॉस्फेट निकल जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उससे UDP ग्लूकोज के साथ में जुड़ जाएगा। अब आगे कहीं भी आपको पॉलीमर बनाना होगा तो वो अब UDP ग्लूकोज जाएगा, और उसमें से जैसे ही वो UDP हटेगा तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा वापस से, और बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऐसे एनर्जी रिलीज होगी, और वो रिलीज एनर्जी दो ग्लूकोज को आपस में जोड़ देगी। समझ में आ गई बात। तो अब ये आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि अपने मोनोमर बहुत सारे एनवायरनमेंट में बिखरे हुए हैं, लेकिन वो मिलके पॉलीमर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो मोस्टली हम मान सकते हैं कि वो इनएक्टिव फॉर्म में है, लेकिन कभी कभी जो आपने पढ़ा होगा ना, जैसे अपने एनवायरनमेंट में इतनी नाइट्रोजन है लेकिन फिर भी प्लांट डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते, वो भी इनएक्टिव फॉर्म में है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने से ना अमोनिया वगैरह बन जाती है, तो वो कैसे बनती है अमोनिया, तो वहाँ पर एनर्जी कहाँ से मिली, लाइट से मिली। समझ में आ गई बात। तो कहीं भी आपको पॉलीमर बनाना है क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो अपने अंदर तो लाइट डाल नहीं सकते ना, कि आपके अंदर जैसे यूवी रेज वगैरह डाल दें, म्यूटेशन हो जाएगा नहीं तो। तो फिर अपने अंदर एनर्जी का सोर्स क्या है, अपने पास में ले दे के वही न्यूक्लियोटाइड बचते हैं ना, ATP GTP उन्हीं को हाइड्रोलाइज करते हैं, और उनकी पूर्ति कहाँ से होती है, उसके लिए हम खाना खाते हैं, उसके लिए ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ग्लूकोज में भी आपको पता है ना, कार्बन 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 ऐसे जुड़े हुए हैं, तो क्या है, बॉन्ड ही तो है, जैसे C6H12 है, O6 है, 6 ग्लूकोज ही तो, 6 कार्बन है ग्लूकोज में। अब 6 के 6 कार्बन किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, जब वो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या रिलीज होगा, एनर्जी, और उसी एनर्जी से हम क्या बना लेते हैं, ATP। समझ में आ गई बात। ग्लूकोज के बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं और उस एनर्जी से ATP में बॉन्ड बना देते हैं, वो एनर्जी सेव होगी केमिकल फॉर्म में, जब भी जरूरत पड़े अब उस ATP के फॉस्फेट को हटा दो, बॉन्ड ब्रेक होगा, एनर्जी मिल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो बस यही एनर्जी है, आपको एनर्जी ऐसे दिखेगी नहीं कि एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड को ही आप क्या समझोगे आगे से लाइफ साइंस में, बॉन्ड ही एनर्जी है। तो जब भी आपको एनर्जी की जरूरत पड़े तो बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और जब एनर्जी ज़्यादा है आपके पास में तो नया बॉन्ड बना के उसको प्रिजर्व करके रख दो। समझ में आ गई बात। तो अब ये समझ में आ गया कि इसके साथ हमने GTP अटैच क्यों की, क्योंकि अभी इनको मिला के हमें क्या बनाना है, पॉलीमर बनाना है। पॉलीमर में भी क्या बनाना है, ये माइक्रोट्यूब्यूल बनानी है। तो अपने पास में माइक्रोट्यूब्यूल बनाने के लिए प्रोटीन है जिसका नाम क्या होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन खुद की दो फॉर्म है, कौन कौन सी, अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन, दोनों के साथ में कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहेगा, GTP अटैच रहेगा, है ना। और कभी भी पॉलीमर बनाने के लिए आएंगे तो ये अल्फा और बीटा अकेले नहीं आएंगे ना, दोनों साथ में आएंगे, डाइमर की फॉर्म में आएंगे। तो अब देखो ये कैसे जुड़ जाएंगे, जैसे हमें पॉलीमर बनाना है ना, तो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये अल्फा और बीटा का क्या आया, एक डाइमर वाली फॉर्म आई है ना, फिर वापस से दूसरा आएगा अल्फा और साथ में आएंगे, फिर अल्फा और बीटा, फिर दोनों साथ में आएंगे, ऐसे एक डाइमर की फॉर्म में आते हैं ये। अंजलि कितने बनाने हैं ये, ऐसे जब तक बोर्ड नहीं भर जाए ना तब तक। तो ऐसे अल्फा बीटा आते जाएंगे, कौन सा न्यूक्लियोटाइड अटैच रहेगा इनके साथ में, GTP। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, अभी ये आपको बहुत ईजी लग रहा होगा ना, लेकिन एक महीने बाद में ये याद नहीं रहता कि इसके साथ में GTP अटैच था या ATP अटैच था, क्योंकि अभी तो अकेला माइक्रोट्यूब्यूल है, कल को माइक्रोफिलामेंट भी आएगा तो उसके साथ में ATP अटैच होगा। तो एक महीने बाद में ध्यान भूल जाऊंगा कि ATP माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में अटैच था या माइक्रोफिलामेंट के साथ में अटैच, क्योंकि अभी तो आपने एक ही पढ़ा है ना, तो ईजी लग रहा है कि इसके साथ में GTP अटैच है, जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबके साथ में कौन अटैच रहेगा, किसमें,
हाँ बता रहा हूँ अभी, है ना, इनमें से केवल एक की जीटीपी का ही आइडोलाइसिस होता है। इसमें से क्या होता है प्रतीक्षा, केवल एक जो है ना, ये अभी लिखा दूंगा मैं ना, मतलब अल्फा के साथ जो जीटीपी होती है उसका कभी भी आइडोलाइसिस नहीं होता, केवल किसका होता है, बीटा का होता है। तो ऐसे जो है नेहा, ये आपस में अरेंज होते जाएंगे ना एक के ऊपर एक, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटोफिलामेंट। क्या नाम है इसका, प्रोटोफिलामेंट नाम है। अब ये एक प्रोटोफिलामेंट बन गया ना, जैसे कि ये आपस में अल्फा बीटा करके ये एक फिलामेंट बना लिया, ऐसे ही दूसरा फिलामेंट बना लिया, और ऐसे ऐसे टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट एक ऐसे गोल स्पेरिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे। समझ में आ रही बात, जैसे अल्फा बीटा आपस में जुड़ते गए, एक दागनुमा स्ट्रक्चर बन गई, ऐसी दूसरी दागनुमा बन गई, ऐसी तीसरी बन गई, तो ऐसी टोटल कितनी लेनी है हमको, टोटल 13 लेनी है, और 13 को इस फॉर्म में अरेंज कर देना है ना, ऐसे एक गोल स्ट्रक्चर बन जाएगी। जैसे बेलन देखा है आपने, सिलेंडर, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो पीयूष टोटल कितने धागे होंगे इसमें, टोटल 13 प्रोटोफिलामेंट होंगे। ये दोनों, ये 13 टोटल प्रोटोफिलामेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। इस पूरी का नाम क्या हो गया अब, माइक्रोट्यूब्यूल। तो मोस्टली माइक्रोट्यूब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट मिलते हैं, 13 मिलते हैं ना, ऐसा नहीं कि ऑलवेज मिलेंगे, लेकिन मोस्टली में कितने मिलेंगे, ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे। लेकिन ये जो आपको मैंने कन्फर्मेशन बताया है बनाने का कि माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे बनती है, ये तरीका गलत है ना, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनती। अभी आपको क्या समझ में आया, अभी इसमें आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे पहले एक प्रोटोफिलामेंट बना, फिर दूसरा प्रोटोफिलामेंट बना, फिर ऐसे टोटल 13 अलग अलग प्रोटोफिलामेंट बने, फिर वो आपस में जुड़ के ऐसे एक ट्यूबुलर या सिलेंड्रिकल शेप में स्ट्रक्चर बना ली, और उसको हमने क्या नाम दिया है, माइक्रोट्यूब्यूल नाम दिया है, लेकिन एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे नहीं बनती। तो ये डायग्राम आपको बनाना है पहले तो, है ना, और फिर इसमें ये भी लिखना पड़ेगा कि माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन ऐसे नहीं होता, आगे पढ़ेंगे ना कैसे होता है। और एक लाइन और लिख देता हूँ मैं, GTP never be hydrolyzed। जी अल्फा के साथ में जो GTP अटैच होती है उसका कभी भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ये स्पेशल याद रखना है पीयूष, है ना। क्या हाइड्रोलाइसिस होता है, इसकी GTP का हाइड्रोलाइसिस होता है, बीटा वाली का ना, अल्फा वाली का हाइड्रोलाइसिस क्या, देखो ऐसा होता है, ये जो GTP हमने इसके साथ अटैच किया ना, ये GTP हमने इसके साथ एक्टिवेशन के लिए अटैच कर दी ना, अब इसको जब आपस में जोड़ते हैं ना, तो इनको जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है, अभी देखेंगे ना कौन सा एंजाइम आएगा, वो फिर से एनर्जी को यूटिलाइज करता है। समझ में आ रही बात, ये जो GTP हमने अटैच किया है किसके लिए अटैच किया है, इसको एक्टिवेट करने के लिए, अगर इनको आपस में जोड़ना होगा ना, तो उसके जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है। अब ये हमने एक्टिवेट करने के लिए दोनों को जोड़ दिया, लेकिन इन दोनों के बीच में एक्चुअल में भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। समझ में आ रही बात, इन दोनों के बीच में भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड एनर्जी की जरूरत कब पड़ती है प्रतीक्षा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ना एनर्जी की जरूरत पड़ती है मोस्टली, और एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो बिना किसी एंजाइम के हल्के भी बन जाते हैं, जैसे कि दो DNA के स्ट्रैंड हैं, दोनों को आप पास में लाओगे तो उनको हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए किसी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, अपने आप बन जाएगा, अपने आप बन जाता है ना। और कहीं भी अगर आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। कहाँ पे जी लिख दिया मैंने, केवल अल्फा लिख लो,
जी उसमें आएगा भी आगे माइक्रोफिलामेंट में। ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है ना कि अल्फा वाली का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। साक्षी समझ में आ गए? तबीयत कैसी है, सुधार है कल से? देखो आपको संघर्ष देखना हो ना, संघर्ष क्या होता है, तो संघर्ष तो रेणु से पूछो है ना क्या होता है। कितने किलोमीटर दूर से आए हो रेणु अभी आप? कितना? 50 तो पड़ता होगा आराम से। कितना पड़ता है लगभग? 70। 70 किलोमीटर दूर से रेणु है ना आप डाउन। सत्तर किलोमीटर कितना होता है? आप एक दिन आ जाओगे दूसरे दिन नहीं आओगे। मैं तो खुद चौमू तक जाता हूँ ना, तो एक बार चला गया तो अब 2 महीने तक तो ऐसा लगता है अब नहीं जाएंगे चौमू तक ही। चौमू से भी आगे है। इसमें हाँ एनर्जी यूटिलाइज होती है ना। क्या देखो ये जो यहाँ पे सब यूनिट जुड़ी है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ी है। अभी जो अल्फा बीटा को हमने आपस में जोड़ा है ना, अभी कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है यहाँ पे। किसमें इंटरेक्शन तो है तभी तो जुड़ी हुई है ना। इंटरेक्शन का देखो, ये प्रोटीन है, प्रोटीन है, इसका मतलब प्रोटीन में अमाइनो एसिड होंगे, और अमाइनो एसिड में कुछ एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं, कुछ बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। तो अगर उनके ऊपर अगर अपोजिट चार्ज है तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। और ये इंटरेक्शन में तभी रह सकती हैं जब इस बीटा के साथ में GTP होगी अटैच, और जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाता है तो इसका इंटरेक्शन ख़त्म। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बना लिया आपने? तो इसमें आप लिखोगे कि प्रोटोफिलामेंट और माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं होता। चलो ये लिख लिया, अब देखते हैं ना कैसे होगा।
इसका फॉर्मेशन। अच्छा, आप लोगों ने कभी वो कुआ वगैरह बनता देखा है? आप तो आजकल कुआ वगैरह नहीं बनता, कुआ में जो अंदर से चिनाई होती है देखी कैसी होती है? तो एक्चुअल में जो माइक्रोटिब्यूल प्रोटीन है, इसका जो फॉर्मेशन है वो इस तरीके से नहीं होता ना जैसे मैंने बताया, इसका फॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा होगा पहले बनाते थे, आजकल सिटी में तो आपको नहीं पता होगा, जैसे रोटी वगैरह रखने के लिए वो छावड़ी बनाते थे ना, देखिए आपने वो एक लकड़ी आती थी सरपत्ते की, उससे बनाते थे। तो ऐसे वो एक लंबी रस्सी सी बनाते थे पहले, फिर उस रस्सी को ऐसे घुमा घुमा के ऐसे वो छाबड़ी बनती थी। अगर आपने गांव वालों ने देखी होगी, सिटी में तो डायरेक्ट कैश ऑन लाते हैं ना उसकी जगह। हाँ, मतलब गाँव में जो भी दादी या नानी के हाथ से बनी हुई छाबड़ी देखी हो आपने, तो कैसे बनती है वह, है ना, पहले एक रस्सी सी बनाते हैं, फिर उस रस्सी से ऐसे बढ़ते जाते हैं तो ऐसे बन जाती है वो, मतलब ऐसे ही बनती है, जैसे स्पायरल शेप में बनती है, मतलब ऐसे, है ना, एक के ऊपर एक अरेंज करते जाते हैं उसको, इस शेप में बनती जाती है। या फिर जैसे सबको छोड़ो, अपना जो घर बनता है तो क्या घर ऐसे बनता है कि पहले जैसे मान लो यहाँ से लेके नीचे तक जैसे पत्थर लगा रहे हैं अपन, तो जैसे इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो कि 20 ईंट लगी होंगे ना एक के ऊपर एक, 20 तो लगी होंगी आराम से, 20 ईंट लगी हैं, तो अपन ऐसा करते हैं क्या कि एक जगह पर पहले 20 ईंट पूरी लगा लो, फिर उसके साइड से 20 ईंट पूरी लगाओ, ऐसे लगाते हैं क्या? ऐसे नहीं लगाते ना, तो ऐसी माइक्रोटिब्यूल भी नहीं बनती। कैसे करते हैं हम, पहले नीचे पूरे में एक एक ईंट लगा लेंगे ना पूरे में, फिर उसके ऊपर वापस एक एक लगाएंगे, जिसको गांव में हम बोलते हैं नॉर्मली एक थर बोलते हैं, आपकी तरफ भी कुछ बोलते होंगे, जैसे एक बार पूरी एक ईंट लग जाती है तो उसको क्या बोलते हैं आप? हम तो बोलते हैं कि एक थर कम्प्लीट हो गया, पत्थर वगैरह का लगाते हैं ना, आपकी तरफ भी कुछ ना कुछ बोलते होंगे क्या? एक लाइन कम्प्लीट हो गई क्या? आसार बोलते हो। अब जैसे मिस्त्री टारगेट लेता है ना कि आज के दिन हम 3 आसार कम से कम लगा के जाएंगे ना इस पे पूरे पैसे, तो माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन भी कुछ इसी तरीके से होता है। जैसे मैंने क्या बताया, एक माइक्रोटिब्यूल में कितने प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे? 13 प्रोटोफिलामेंट मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ आया अल्फा और ऊपर आया बीटा, अल्फा और बीटा, फिर इसके जस्ट बगल में आएगा वापस से अल्फा और बीटा, फिर वापस से जस्ट बगल में आएगा अल्फा और बीटा, तो टोटल कितनी बार आएंगे ऐसे? 13 बार आएंगे और एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अब जो 14 नंबर वाला आएगा वो कहाँ पे आएगा? वो फर्स्ट वाले के जस्ट ऊपर आएगा, समझ में आ रही बात? अब जो 13 तो है एक सर्किल में अरेंज हो गए ऐसे, अभी मैं फोटो भेज दूंगा ना आपके सामने, टोटल ऐसे कितने अरेंज होंगे आपस में? 13। बीटा और यहाँ पे अल्फा, तो देखो अभी आपको सारे के सारे ऊपर लग रहे हैं ना, ऐसे पूरे अरेंज होंगे लेयर में, नीचे तो रहेंगे अल्फा ऊपर रहेंगे बीटा, टोटल कितने डाइमर आ गए ये? कितने डाइमर आ गए? 13 डाइमर आ गए। अब जो 14 नंबर वाला आएगा, अब वो 14 नंबर वाला कहाँ से आएगा? जैसे यहाँ से शुरुआत हुई थी तो इसके जस्ट ऊपर आएगा, अब दूसरी लेयर वापस इसके ऊपर बनेगी, फिर अब टोटल 26 हो गए, अब 27वें नंबर वाला कहाँ पर आएगा? जो एक के ऊपर आया था 14वें नंबर वाला, 14 के ऊपर आएगा 27वें नंबर वाला, तो ऐसे एक स्पायरल शेप में इसका फॉर्मेशन होता है, समझ में आ गई बात? अभी बनाना नहीं, डायग्राम मैं भेजूंगा ना अभी फोटो, तो सबके साथ में कौन अटैच होगा? GTP या ATP? GTP अटैच होगा ना सबके साथ में। अब इसमें से एक एंड को तो हम बोलते हैं माइनस एंड, और दूसरे एंड को बोलते हैं
प्लस एंड। तो प्रीति प्लस एंड पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। प्रीति ने तो पॉजिटिव चार्ज बताया है। प्रियंका कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव प्लस एंड पे? पॉजिटिव। क्या तो देखो ये एंड है, प्लस एंड और माइनस एंड, यहाँ पे इनका मतलब चार्ज नहीं है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रेट को दिखाया गया है। जो प्लस एंड है इस पर तो पॉलीमराइजेशन होता है, और जो माइनस एंड है उस पर डी पॉलीमराइजेशन होता है ना, इतना बता के जाते हैं। बाकी प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो प्लस का मतलब क्या बताया, क्या होगा यहाँ पे पॉलीमराइजेशन, और माइनस वाले पे क्या होगा डी पॉलीमराइजेशन। और ये भी लगभग फिक्स है, जो डी पॉलीमराइजेशन एंड होता है उस पर तो अल्फा रहता है और पॉलीमराइजेशन एंड पे बीटा रहता है। अब मैं आपके सामने एक फ़ोटो भेज रहा हूँ ना, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना माइक्रोटिब्यूल कैसा होता है। पहले तो एक डायग्राम देखो, ये मैंने भेजा है, जो नहीं आया अभी आ गया होगा, देखो आ गया। अब समझने की कोशिश करो कैसे होगा पॉलीमराइजेशन। मक्के के दाने हैं क्या? काजल आपके पास आ गया कि नहीं आया डायग्राम? नहीं आया। अच्छे से बता रखा है, उसको भेज दो। और भेज दो 2-3। आ गया बाहुबली, आप बगल वाले को दिखा देना अरशद को। आ गया सबके पास, देख लिया, समझ में आया कैसे बनता है?
डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा, आप है ना ये डायग्राम एक बना लेना है ना ये वाला, बाकी आपको भेज दिया मैंने ना समझने के लिए। इस डायग्राम में आपको इसलिए बनाना है क्योंकि इसमें माइनस और प्लस का मतलब आपको समझाया ना क्या होता है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का मतलब चार्ज से नहीं है, किससे है, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन से है। मतलब इस एंड पे तो माइक्रोट्यूब्यूल का साइज बढ़ रहा है और इस तरफ से कम हो रहा है ना, डीपॉलीमराइज हो रही है। क्या ये वाला डायग्राम बना लो एक, है ना लास्ट वाला, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको भेज दिया मैंने डायरेक्ट, है ना, आप समझ में आ गया होगा आपको। आपने एक चैप्टर पढ़ा था किसी टाइम पर, रेगिस्तान में कुई निर्माण, रेगिस्तान में मतलब कुई बनाते हैं ना जो पानी वगैरह निकालने के लिए, पढ़ा था क्या कुई नाम से? तो कैसे बनाते होंगे, रेते में बिल्कुल, है ना, रेता होता है चारों तरफ वहाँ पे, रेता में ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं खोद सकते आप, फिर भी कैसे बनाते होंगे। तो नया सोच के तो देखो, आजकल मॉडर्न युग में हम रह रहे, कैसे बनाते होंगे रेगिस्तान में, रेत में आप बहुत ज़्यादा गहरा खड्डा नहीं खोद सकते। प्रियंका फिर कैसे बनाते होंगे तो क्या और ये और होता है वहाँ पे कि कोई कितना भी पैसे वाली फैमिली हो, एक फैमिली एक ही कुआ खोद सकती है बस। क्या ऐसे ही जैसे आप सोच के देखो, जैसे दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन है ना बहुत सारे, वो बहुत सारे मेट्रो स्टेशन जो है ना वाटर लेवल से काफ़ी गहराई तक हैं वो, मतलब पानी तो वहाँ पे आ जाता है 15 फीट पर ही, और मेट्रो स्टेशन की गहराई है 50 फीट 70 फीट, तो वाटर लेवल से भी नीचे कैसे बनाए होंगे। 15 फीट खोदोगे पानी आ जाएगा, और 70 फीट 80 फीट गहरे वो है ना मेट्रो स्टेशन, कैसे बना सकते हैं फिर उसे? क्या सीमेंट भी कैसे सूखेगा पानी में? सीमेंट पानी में सूख जाएगा? क्या करेंगे? वाटरप्रूफ केमिकल्स देखे ना कैसे काम करते हैं, नाम ही सुना है या देखे भी काम कैसे करते हैं। वाटरप्रूफ ये तो पता है ना काम कैसे करते हैं, उनको भी पहले सूखने के लिए प्रॉपर टाइम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे फेविक्विक है, मान लो चिपका देती है, लेकिन उसको आप पानी में डालोगे काम करेगी वो? पानी में काम नहीं करेगी वो। एड में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। लिख लिया आपने बात, यहाँ पे जो प्लस और माइनस एंड है ये चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करती है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एक नाम आता है इसमें ट्रेडमिलिंग, ये लिखो ना ट्रेडमिलिंग क्या होती है, इसी में आता है ट्रेडमिलिंग, लिखो अब ट्रेडमिलिंग में। देखो एक कंडीशन ऐसी आती है, तो प्रीति अब समझ में आ गया प्लस एंड पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस एंड पे कोई भी चार्ज नहीं होगा, प्लस एंड का मतलब क्या होता है, ये पॉलीमराइजेशन होगा ना, इस तरफ माइक्रोट्यूब्यूल साइज में बढ़ेगी और इस तरफ से साइज में घट रही होगी। तो ये हो गया आपका प्लस एंड और माइनस एंड। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें माइक्रोट्यूब्यूल का साइज बढ़ाना होता है तो पॉलीमराइजेशन की रेट ज़्यादा होगी या डी पॉलीमराइजेशन की रेट ज़्यादा होगी? अगर पॉलीमराइजेशन की रेट ज़्यादा है, डी पॉलीमराइजेशन की रेट कम है, तो माइक्रोट्यूब्यूल साइज में बढ़ेगी।
अगर ये डीपॉलीमराइजेशन ज़्यादा हुआ और पॉलीमराइजेशन कम हुआ तो साइज में कम हो गया ना। एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब पॉलीमराइजेशन की रेट और डीपॉलीमराइजेशन की रेट बराबर हो जाती है, मतलब जितने डाइमर इधर आके जुड़ते हैं उतने डाइमर इधर से रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा माइक्रोट्यूबुल की लेंथ में? उतनी रहेगी पक्का? अरे उतनी रहेगी, इसमें क्या सोचना। दिक्कत तो ये है कि अपन जल्दी जवाब दे रहे हैं तो उसमें भी कन्फ्यूजन है कि इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया। ये ज़्यादातर क्वेश्चन के गलत होने की यही वजह है ना, एग्जाम में कई बार बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो गलत इसी वजह से हो जाते हैं कि इतनी जल्दी आंसर तो नहीं आना चाहिए इसका। आ जाता है ना कई बार, देखते ही मतलब आ गया, तो उसमें दो मिनट ये सोचने में ख़राब करते हैं कि आंसर इतना जल्दी तो नहीं आ सकता, नेट का क्वेश्चन है, ये आने नहीं चाहिए इतना जल्दी, और वो भी अपने से आंसर आ गया इतना जल्दी। अपने पे भी डाउट हो जाता है ना कभी कभी, इतना जल्दी आ गया। हाँ। तो क्या लिखोगे इसमें? तो एक स्पेशल कंडीशन आती है ऐसी जहाँ पे पॉलीमराइजेशन की रेट और डीपॉलीमराइजेशन की रेट क्या होती है, बराबर होती है, तो उस कंडीशन में माइक्रोट्यूब्यूल की जो नेट लेंथ है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ट्रेडमिलिंग बोलते हैं। तो लिखो है ना ट्रेडमिलिंग में, ट्रेडमिलिंग हेडिंग डालो। ट्रेडमिल को वैसे हम आटा चक्की बोलते हैं ना, अगर पता हो तो आपको, ट्रेडमिल नाम सुना है ना, आटा चक्की को बोलते हैं। लिखो इसमें रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन, रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन, रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन। नेट लेंथ ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रिमेन अनचेंज्ड। माइक्रोट्यूब्यूल की जो नेट लेंथ है वो कैसी रहेगी? अनचेंज्ड रहेगी। तो ये कंडीशन जो होती है प्रियंका, ये स्टैटिक है या काइनेटिक है ये कंडीशन? ये कंडीशन काइनेटिक है। स्टैटिक मतलब पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन दोनों ही हो रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोला है हमने, काइनेटिक बोला है, लेकिन फिर भी माइक्रोट्यूबुल की लेंथ में चेंजमेंट नहीं हो रहा। स्टैटिक का मतलब तो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ पर ना, जैसे है वैसी रहती है। एक तो कंडीशन ये हो कि ना तो पॉलीमराइजेशन हो रहा हो ना डीपॉलीमराइजेशन हो रहा हो, तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक कंडीशन। इसमें पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है डीपॉलीमराइजेशन भी हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आती है, तो क्या इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो है वो स्टैटिक होती है? क्या इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होती है? इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होगी या नहीं होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन जीरो नहीं होती, रिएक्शन तो चलती है, लेकिन जितनी फॉरवर्ड चलेगी उतनी ही बैकवर्ड चलती है। तो इसलिए हम वहाँ बोलते हैं ना कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो डायनामिक है या स्टैटिक है, तो इक्विलिब्रियम को डायनामिक माना है, जबकि ओवरऑल कुछ भी नहीं मिल रहा हमको, जितनी फॉरवर्ड होती है उतनी वापस से बैकवर्ड हो जाती है, लेकिन क्या रिएक्शन शांत है या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। ऐसे ही यहाँ पर ये शांत है या रिएक्शन हो रही है यहाँ पर? तो इसलिए हम इसको काइनेटिक बोलेंगे, मतलब स्टैटिक बोलेंगे। तो ये जो ट्रेडमिलिंग है ये भी कैसी होती है? एक डायनामिक कंडीशन है ना, ये आप लिख सकते हो, ट्रेडमिलिंग इज ए डायनामिक कंडीशन। ट्रेडमिलिंग इज ए डायनामिक कंडीशन। डायनामिक का मतलब जानते हो? गतिशील। क्या अपने आप नहीं हो रहा, बता रहा हूँ मैं ना इसको कैसे होता है डीपॉलीमराइजेशन। ट्रेडमिलिंग समझ में आ गई जितेंद्र? ट्रेडमिलिंग क्या आप समझ में आया? इसमें पॉलीमराइजेशन भी होगा डीपॉलीमराइजेशन भी होगा, लेकिन दोनों की रेट कैसी होगी? बराबर होगी। तो ओवरऑल माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ में कोई भी चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये डायनामिक है या स्टैटिक है कंडीशन?
डायनामिक है। आपको लगेगा कि माइक्रोटिब्यूल की लेंथ नहीं बढ़ रही, लेकिन फिर भी कंडीशन कैसी है, डायनामिक है। इसमें कुछ एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा इस कंडीशन में ट्रेडमिलिंग में? देखो, जब ये डायमर जुड़ने के लिए आते हैं तब तो जीटीपी वाली फॉर्म में आते हैं, लेकिन जब यहाँ से हटते हैं तो जीडीपी वाली फॉर्म में। लेकिन जीडीपी किसका हाइड्रोलाइसिस होता है? जीटीपी अल्फा का या बीटा का? बीटा का होता है ना। तो लिख लो, है ना, ये कंडीशन लिख लो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्फा टिब्यूलिन, नहीं अल्फा नहीं बीटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा टिब्यूलिन जीटीपी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बीटा टिब्यूलिन जीटीपी कॉज डीपॉलीमराइजेशन। सपना, आप तो इंग्लिश समझ में आने लग गए क्या? अच्छा, थोड़ा जल्दी बोल देते हैं, मतलब मैं तो स्लो ही बोलता हूँ, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, इसलिए लग रहा है ऐसा, है ना। बाकी जो हिंदी में बोलता हूँ वो तो समझ में आ रहा होगा ना सपना? हाँ, बस इंग्लिश तो आज नहीं कल समझ में आ जाएगी, दो चार दिन, वही आपको है ना, गणेश ने 150 से 200 वर्ड है इंग्लिश के, आपको 10-15 दिन परेशान करेंगे वो, फिर 16वें दिन वही रिपीट होने लग जाएंगे, 16, 17, 18वें दिन फिर कोई नया वर्ड नहीं आएगा ना, वही रिपीट होते हैं। अरे ले दे के वही 22 साइक्रिया है ना, ये जा रहे हैं बाज पर, और तो कुछ नहीं आने से रही, उसमें भी बुड़ और कुड़ का प्रयोग हम कराते नहीं हैं यहाँ पे क्लास में। जो भी अरे बुड़ कुड़ का प्रयोग कराते हुए देखा है, कराते नहीं हम, मतलब ही नहीं है। सुड़का तो फिर भी आ जाता है कभी कभी, तो अपनी जो मोस्टली जो है ना डेली यूज में आती है, केवल उनका ही अपन यूज कराते हैं ना क्लास में, बाकी अपने प्रॉपर जो है ना ग्रामर से कोई मतलब है ही नहीं ज़्यादा, अपने समझ में आना चाहिए बस, है ना। और उसमें भी आपके लिए छूट ये है कि कुछ समझ में नहीं आए तो उसको हिंदी में लिख लो तुरंत, अपने समझ में आना चाहिए बस, है ना। तो ट्रेडमिलिंग हो गया ना, अब एक टर्म आता है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब ऐसे कोई जानता है आप में से इंग्लिश मीडियम वाला? नंदनी है इंग्लिश मीडियम से। क्या होता है मोहित, कैटास्ट्रोफ का मतलब? नहीं, वो तो अपनी अपनी राय है, गलत भी हो सकता है, तबाही। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है वैसे आपदा, है ना, एक तरह से आपदा, डिजास्टर, कुछ भी है ना, इसलिए पूछा है नंदनी इंग्लिश मीडियम से। तो कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? आपदा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सेल के पास में कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉलीमराइजेशन धीरे धीरे हो रहा था ना, पॉलीमराइजेशन या डीपॉलीमराइजेशन, तो इसमें डीपॉलीमराइजेशन की रेट अचानक से एकदम से बढ़ जाती है, मतलब रैपिड या सडन डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो उसकी वजह से माइक्रोटिब्यूल की लेंथ अचानक से बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी ना, उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, कैटास्ट्रोफ बोलते हैं। सडन डीपॉलीमराइजेशन ऑफ माइक्रोटिब्यूल, तो इसकी वजह से शॉर्टनिंग रैपिड होगी या धीरे धीरे होगी? रैपिड शॉर्टनिंग हो जाएगी ना, तेजी से माइक्रोटिब्यूल का साइज घट जाएगा।
हाँ बताओ। हाँ सही बात है। देखो ये ऐसा होता है प्रतीक्षा, जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल थी ना सेल में, यहाँ पे थी ये कोई माइक्रोट्यूब्यूल है, और दो तरीके होते हैं ना इसको मूव कराने के। ठीक है फिर नहीं बता रहा। मतलब इसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे माइक्रोट्यूब्यूल पहुंच जाती है ना। तो कैटास्ट्रोफ समझ में आ गया, तेजी से क्या हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम क्या, कैटास्ट्रोफ। और कैटास्ट्रोफ से बचाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, इसका रेस्क्यू। इसके लिए क्या करते हैं हम, माइनस एंड पे एक प्रोटीन अटैच कर देते हैं जो एक कैप की तरह काम करती है, और वो डीपॉलीमराइजेशन नहीं होने देती, उसकी वजह से डीपॉलीमराइजेशन रुक जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्क्यू। अब मतलब जहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन हो रहा था वहाँ पे एक प्रोटीन अटैच कर देते हैं, तो एक कैप की तरह काम करती है ना, और वो डीपॉलीमराइजेशन नहीं होने देगी, तो इससे हम क्या बोल देंगे, उसका क्या हो गया, रेस्क्यू हो गया। रेस्क्यू का मतलब ऐसे तो जानते हो ना, बचाव। जब ने कौन सी, ये गामा ट्यूबुलिन जरूरी नहीं है प्रतीक्षा, जो गामा ट्यूबुलिन होती है ना वो आती है, इसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना होता है ना, न्यूक्लिएशन बोलते हैं, न्यूक्लिएशन में आती है वो काम, जहाँ से माइक्रोट्यूबुल के बनने की शुरुआत होती है। अब चलो देखते हैं ना, प्रतीक्षा का क्वेश्चन था कि ये स्पॉन्टेनियस होता है या कोई और करके जाता है ना पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन। तो देखो किसी भी माइक्रोट्यूब्यूल के कितने एंड होंगे, दो एंड होंगे। अब इसका पॉलीमराइजेशन होगा या डीपॉलीमराइजेशन होगा ये डिपेंड करता है ये जो डाइमर है ना, इन डाइमर की कंसंट्रेशन के ऊपर। जैसे सपोज करो यहाँ पे माइनस एंड है, और ये एक सेल के अंदर ही तो चल रहा है सब कुछ, प्रतीक्षा एक सेल में तो चल रहा होगा सब कुछ ये, तो यहाँ पे पॉलीमराइजेशन होगा या डीपॉलीमराइजेशन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि इधर हमेशा डीपॉलीमराइजेशन ही होगा, इधर पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली केस में क्या होगा, इधर डीपॉलीमराइजेशन होगा। अगर इधर पॉलीमराइजेशन भी होता है तो इधर से क्या रहेगी, इसकी स्पीड कम रहेगी। जैसे मान लो दोनों एंड पे पॉलीमराइजेशन चल रहा है, तो माइनस एंड किसको मानोगे, जहाँ पे रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन कम है, स्लो है। और बाकी नॉर्मल केस में क्या होता है, एक तरफ डीपॉलीमराइजेशन एक तरफ पॉलीमराइजेशन, समझ में आ गई बात। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही यहाँ पे क्या चलेगा, डीपॉलीमराइजेशन चलेगा, दोनों तरफ पॉलीमराइजेशन भी हो सकता है, लेकिन इधर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी, स्लो होगी। तो इसके लिए एक टर्म आता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इसको बोलते हैं हम क्रांतिक सांद्रता। सपना नाम सुना है क्या, क्रांतिक नहीं सुना, मतलब एक थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है ना, थ्रेशोल्ड को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल बोलते हैं। जैसे सपोज करो क्रिटिकल कंसंट्रेशन मैंने इसके लिए मान ली 5 मिलीमोलर, और इसके लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितनी मान ली, 2 मिलीमोलर। इसका मतलब ये हो गया प्रतीक्षा कि अगर
किसी सेल के पास में कंसंट्रेशन 5 मिलीमोलर से ज़्यादा है तो यहाँ पे भी क्या चलने लग जाएगा, पॉलीमराइजेशन। अगर 5 मिलीमोलर का मतलब क्या है, ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन है, अगर इससे कम हो गई तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन। और यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन 2 मिलीमोलर से कम होगी तो पॉलीमराइजेशन की बजाय यहाँ पे भी क्या होगा, डीपॉलीमराइजेशन होगा। तो एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होती है प्लस एंड के लिए और माइनस एंड के लिए, कि उतने मोनोमर तो होने चाहिए सेल में, अगर उससे ज़्यादा मोनोमर हैं तब तो क्या चलेगा वहाँ पे, पॉलीमराइजेशन। और उससे कंसंट्रेशन कम होगी मोनोमर या डाइमर की तो क्या चलेगा, डीपॉलीमराइजेशन। तो जैसे मैंने बोल दिया कि सेल में अभी ट्यूब्यूलिन जो डाइमर हैं, ट्यूब्यूलिन डाइमर मैंने आपको बता दिए कि अभी 1 मिलीमोलर है सेल में, तो प्लस एंड पे क्या चल रहा होगा, कंसंट्रेशन कम हो गई तो क्या चलेगा, डीपॉलीमराइजेशन। माइनस एंड पे क्या चलेगा, डीपॉलीमराइजेशन। मैंने बोल दिया कंसंट्रेशन 8 मिलीमोलर है सेल के पास में, तो प्लस एंड पे क्या चलेगा और माइनस एंड पे, पॉलीमराइजेशन। मैंने बोल दिया सेल के पास में 4 मिलीमोलर कंसंट्रेशन है तो क्या होगा प्लस एंड पे, प्लस एंड पे क्या होगा, प्लस एंड पे होगा पॉलीमराइजेशन, और माइनस एंड पे डीपॉलीमराइजेशन। समझ में आ गई बात, तो कब पॉलीमराइजेशन होगा कब डीपॉलीमराइजेशन होगा ये कौन डिसाइड करता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन डिसाइड करती है ना। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तब तो क्या होगा वहाँ पे, पॉलीमराइजेशन। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम होगी कंसंट्रेशन तो क्या हो जाएगा, डीपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, नंदनी देख लो एक बार और, तो ये डायग्राम बना लो एक, फिर मैं लिखा दूंगा ना मैं इसको क्या होती है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इसको थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं ना, थ्रेशोल्ड वैल्यू को क्रॉस कर गई कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन। ये किसकी बता रहा हूँ मैं, ये डाइमर की बता रहा हूँ। डाइमर अगर सेल में बढ़ेंगे तो पॉलीमराइजेशन बढ़ेगा या घटेगा, अगर सेल में आप डाइमर बढ़ाओगे तो पॉलीमराइजेशन की रेट, क्योंकि रॉ मटेरियल है पॉलीमराइजेशन के लिए वो, और अगर डाइमर की कंसंट्रेशन कम होगी तो डीपॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब सेल में एक कंसंट्रेशन रहनी चाहिए उतनी, तो उसको मेंटेन करने के लिए ये क्या करती है, माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइज कर देती है। जैसे आपको मैंने अमाइनो एसिड के लिए टाइट्रेशन पढ़ाई थी ना, तो एसिड बेस टाइट्रेशन में आपको क्या बताया था, जैसे बफर में क्या होता है, अगर लगता है कि सॉल्यूशन में H+ कम हो रहे हैं तब तो अमाइनो एसिड रिलीज कर देता है, और लग रहा है कि अमाइनो एसिड मतलब ज़्यादा हो रहे हैं H+ तो अमाइनो एसिड H+ वहाँ से ले लेता है। तो यही काम माइक्रोट्यूब्यूल का है। अगर माइक्रोट्यूब्यूल को लगता है कि सेल में इनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है डाइमर की, तो ये अपने में से रिलीज कर देगी। अगर इसको लग रहा है कि सेल के पास में कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे। समझ में आ गई बात, ये है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। रैनु कल का इनविटेशन है आपका, पता है आप लेट आए थे इसलिए बता दूं। क्या ऑनलाइन पता लग गया, ऑनलाइन में केवल पता ही लगता है, मतलब आप खा पी नहीं सकते ना। नहीं मतलब ऑनलाइन जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा मान लो पार्टी देने के लिए आया, तो ऑनलाइन में आप देख सकते हो केवल। फिर क्या है कि अभी मीनू और रेनू की जो है ना पिछली बार की एक ट्रिप बाकी है, पिछली बार जो है ना एक साल हो गया लगा उस ट्रिप को, एक साल पहले गए थे, उस टाइम पे नए नए आए थे, नए नए तो आए थे आमिर गए थे ना, तो वो मिस कर दिया आपने ट्रिप, इवनिंग में से कोई नहीं गया था है ना, आप लोग नए नए थे। तो अब ऐसा धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे ऑफिस में वो लगा हुआ है फ़ोटो लगा हुआ है, अगर आप जाते तो वो हमेशा के लिए आपका फ़ोटो लगता है वहाँ पे। सिलेक्शन वाले फ़ोटो की अलग खुशी होती है और एक ग्रुप फ़ोटो की अलग खुशी होती है। सिलेक्शन वाला तो क्या है कि आज है कल को किसी दूसरे बच्चे का होगा तो आपका हट जाएगा, दूसरे का लग जाएगा। लेकिन वो जो फ्रेम में फ़ोटो सेट होता है वो तो हमेशा रहता है ना, सिलेक्शन तो बैच वाइज चेंज होते रहते हैं।
डायग्राम बना लिया। अब लिखो क्रिटिकल कंसंट्रेशन। ठीक है जाओ। हाँ अब इसमें लिखो है ना आगे, इफ कंसंट्रेशन ऑफ टिब्यूलिन डाइमर इफ कंसंट्रेशन ऑफ टिब्यूलिन डाइमर इज मोर देन क्रिटिकल कंसंट्रेशन। Then polymerization start. समझ में आ गई लाइन? और दूसरी लाइन को इंग्लिश वाले कैसे लिखते हैं? एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। क्या होता है इसका मतलब? यही होती है ना स्पेलिंग वाइस वर्सा की। हाँ एंड वाइस वर्सा, इसमें सब कुछ आ जाता है फिर बस। क्या होता है दीप का इसका मतलब? मतलब अब आप ये लाइन लिखते हैं ना, अभी तो आपने लिखा है कि अगर डाइमर की कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो पॉलीमराइजेशन होगा। अब इसका उल्टा क्या होगा? अगर डाइमर की कंसंट्रेशन इससे कम है तो डीपॉलीमराइजेशन होगा। तो ये लाइन लिखने की बजाय इंग्लिश वाले केवल ऐसे लिख देते हैं ना, एंड वाइस वर्सा। समझ में आ गई बात? तो अब आप देख लो कि वाइस वर्सा लिखोगे या पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। क्या सही रहेगा ज्योति? वाइस वर्षा का मतलब होता है छोटी वाली वर्षा। अरे जैसे एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल, ऐसी एक होती है वर्षा, एक होती है वाइस वर्षा। तो वाइस वर्षा का मतलब समझ में आ गया? जैसे वाइस वर्षा कब आता है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन होगा, और बोलता हूँ वाइस वर्षा, इसका मतलब क्या हो गया? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। समझ में आ गया सपना? अब तो मतलब दोनों लाइन लिखने की बजाय केवल वाइस वर्षा लिख देते हैं बस। तो लिख ली आपने दूसरी लाइन लिख ली। और जैसे क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, एक तो जैसे मैन साइंटिस्ट होता है ना, और कुछ को साइंटिस्ट होते हैं, वो मिलके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके कोई डिस्कवरी हो गई मान लो, है ना। जैसे मान लो अग्नि एक मिसाइल है, मान लो कि उसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तो एक मैन लीड साइंटिस्ट है, बाकी को साइंटिस्ट होंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे अग्नि मिसाइल वाइज डिस्कवर्ड बाई, और इसमें लिखेंगे APJ कलाम, फिर आगे एट ऑल का मतलब क्या होता है, उसके कोवर्कर या सहयोगी। ये मतलब जब आप ऑथेंटिक बुक वगैरह जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पे फिर आपको यही टर्म मिलेंगे ना, जिसमें वाइस वर्सा एट ऑल ये ऐसे बहुत ज़्यादा बार मिलेगा उसमें। लेकिन अपने काम तो आने नहीं, वैसे भी अपन तो कोवर्कर लिख देंगे ना, और कुछ नहीं आएगा तो सहयोगी लिख देंगे। चलो आपने समझ में आ गई ये वाली बात। तो ये डायग्राम आपने बना लिया, अगर इस डायग्राम ऐसा डायग्राम बना के आपको दे दे और चार स्टेटमेंट दे दे ना, चार
देखो क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, एक डायग्राम बना के दे दे कि ये एक माइक्रोटिब्यूल है और माइनस एंड के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन कितनी है, माइनस एंड के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा मिलेगी, समझ में आ गई बात, माइनस एंड के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगी हमेशा। तो एक माइक्रोटिब्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था जिसके लिए माइनस एंड की क्रिटिकल कंसंट्रेशन है 5 मिलीमोलर और प्लस एंड के लिए है 2 मिलीमोलर। यदि सेल कंटेन इसको कर लेते हैं 4 मिलीमोलर कंसंट्रेशन ऑफ डाइमर, देन सेल के पास में कितनी है कंसंट्रेशन इसकी डाइमर की, 4 मिलीमोलर है, तो क्या होगा, है ना। अब आपके सामने स्टेटमेंट दे देगा, जैसे ए दे दिया प्लस एंड पे होगा पॉलीमराइजेशन, बी स्टेटमेंट में दे दिया माइनस एंड पॉलीमराइज, सी स्टेटमेंट दे दिया देखो ये 4 स्टेटमेंट दे दे, कौन सा सही होगा इनमें से। तो देखो सेल के पास में कंसंट्रेशन कितनी है, 4 मिलीमोलर आपको दे रखी है, 4 मिलीमोलर कंसंट्रेशन है। देखो यहाँ पे इससे क्रॉस कर गई है कंसंट्रेशन, क्रॉस कर गई तो क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, और यहाँ 5 से कम है तो यहाँ पे क्या होगा, डी पॉलीमराइजेशन। तो प्लस एंड पे तो होगा पॉलीमराइजेशन, माइनस एंड पे होगा डी पॉलीमराइजेशन, समझ में आ गया। तो इसको आप क्वेश्चन फॉर्मेट में नोट कर सकते हो। फिर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इजी जी आते हैं, लेकिन वो क्या है, राई का पार्ट बन जाता है ना, नहीं आते हैं तो। और आप उल्टा समझ लेते हो कई बार, है ना, आपको लगता है कि इस एंड पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इस पे कम है, तो यहाँ पे तो होगा पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे होगा डी पॉलीमराइजेशन, है ना, ऐसा ही तो समझोगे आप, अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन नहीं पड़ी हो तो ऐसे ही समझते ना। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो डी पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करती है, समझ में आ गई नंदनी बात, क्रिटिकल कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी वो डी पॉलीमराइजेशन को प्रमोट करेगी, हाँ, अगर और ज़्यादा होती तो और ज़्यादा डी पॉलीमराइजेशन होता। तो दीपिका ट्रेड मिलिंग समझ में आ गया, कैटास्ट्रोफ, क्या बोल रहे हो, हाँ प्रोटीन होती है, आरती कभी आटा चक्की पर आटा लेके गए हो पिसाने के लिए, आप गए हो नंदिनी, प्रियंका गए हो आप,
प्रतिचाप गए हो? देखा है। किसको देखा है? तो आटा चक्की पे पिसाने के लिए आटा ले जाते हैं, गेहूँ ले जाते हैं? मैंने तो ऐसे पूछा था कि आटा चक्की पे आटा लेकर गए हो पिसाने के लिए। आटा चक्की पे गेहूँ लेके जाते हैं ना। तो वो आटा नहीं होगा, दलिया होगा फिर वो। हाँ, जब मोटा है तो दलिया होगा, मोटा तो दलिया होता है। आटा होता तब तो उसकी रोटी बनाई खाई लेते हैं। वैसे तो ऐसा रहता है कि आटा जितना मोटा होता है वो फायदेमंद रहता है, लेकिन उसकी रोटी बनाने में दिक्कत आती है, टाइट हो जाती है उसकी रोटी। अब इस बार हमारा खुद का आटा है ना, मोटा पिस गया है, अब करें क्या? और ज़्यादा और पिसवा लिया, 30 किलो और पिसवा लिया एक साथ। बाटी बनाए किस पर? हाँ अमन, अमन उसमें एक आइटम तो रह गया, वो मिर्ची के टपोले और बनते हैं। वो और लिख देना उसमें। हाँ है ऑलरेडी मसाला बाटी, वो तो अमन से पूछो क्या, मेरे को तो पता नहीं, इसके बारे में आइडिया नहीं है। चार बनवा देंगे प्रतीक्षा के लिए ना मसाला बाटी। हाँ वहाँ पे पांच वो बुकिंग है उस दिन, किसी की तो बन रही होगी, तो कहीं से भी ले। प्रतीक्षा को खिला के लाएंगे, चाहे गरीब आदमी बन के जाना पड़े वहाँ पे। क्या अब देखो, एक टर्म आता है न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन का इनिशिएशन स्टेप। जैसे आप केमिस्ट्री में एक चैप्टर आया था ना अपना, पॉलीमर वाला चैप्टर आया था ना कभी, 15 नंबर वाला, तो आया था बहुलक नाम से, तो उसमें हमने देखा था ना किसी भी रिएक्शन के 3 स्टेप होते हैं ना, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, यही तो 3 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पर इनिशिएशन वाले स्टेप को क्या नाम दिया है हमने? न्यूक्लिएशन नाम दिया है। कहीं भी पॉलीमर बना रहे हो आप, तो शुरुआत में जो कुछ मोनोमर आके जुड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएशन बोलते हैं। इनिशिएशन स्टेप ऑफ पॉलीमर, शुरुआत में जो भी 2-4 डाइमर जुड़ने के लिए आएंगे तो उस कंडीशन को क्या बोला है हमने? न्यूक्लिएशन बोला है। अब ये जो न्यूक्लिएशन वाला स्टेप होता है ये स्लो होता है या फास्ट होता है? न्यूक्लिएशन वाला स्टेप स्लो होता है। जैसे हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो किसी भी रिएक्शन का जो ग्राफ बनता है वो देखो ऐसे ही बनता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो फेज होती है इसको बोलते हैं लैग फेज, पढ़ा होगा ना कभी आपने, और यहाँ से लेके यहाँ तक की होती है इसको लॉग फेज बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की जो फेज है ये स्टेशनरी फेज, और ये
किसी भी रिएक्शन के ये स्टेप होते हैं ना, मतलब शुरुआत में रिएक्शन स्टार्ट होगी, लेकिन रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो उसकी रेट स्लो होगी, फिर उसके बाद में एक बार जब प्रॉपर न्यूक्लिएशन मिल जाता है उसके बाद में रेट रैपिडली बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लॉग फेज। उसके बाद में फिर जो पॉलीमराइजेशन की रेट होगी वही डी पॉलीमराइजेशन की रेट हो जाएगी ना, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन बराबर होगा ना, और यहाँ पे डी पॉलीमराइजेशन कम हो गया ज़्यादा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे पॉलीमराइजेशन की अभी शुरुआत हो रही है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रैपिड है ना, फास्ट है, यहाँ पे पॉलीमराइजेशन डी पॉलीमराइजेशन बराबर, और यहाँ पे डी पॉलीमराइजेशन ज़्यादा। समझ में आ गई बात? तो किसी भी रिएक्शन के ये स्टेप होते हैं ना, जैसे कि आपको सपोज करो बर्फ़ जमानी है ना, तो बर्फ़ पानी से ही बनती है तो पता होगा, तो जैसे हम बर्फ़ को उसमें लगाते हैं ना, फ्रिज वगैरह में लगाते हैं, तो जमाने के लिए ऐसे उसमें लगा दिया आपने, तो क्या पूरी बर्फ़ एक साथ जमती है, धीरे धीरे किसी एक पॉइंट से जमने की शुरुआत होगी, पहले किसी एक पॉइंट से जमने की शुरुआत होगी, मतलब क्रिस्टल बनना शुरू होता है ना किसी भी पॉइंट से, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन पॉइंट। न्यूक्लिएशन पॉइंट के बिना बर्फ़ नहीं जम सकती, मतलब आपने कुछ ऐसा डाल दिया उसमें कि वो न्यूक्लिएशन को रोक दे, तो आप टेम्परेचर कम कर दो लेकिन फिर भी बर्फ़ नहीं जमेगी। जैसे कि ये ऐसा देखने को हमें मिला है, जो पोल्स वगैरह पे जो मछलियाँ या जो जानवर वगैरह रहते हैं ना, अगर हम जैसे लोग वहाँ पे जाएं तो जम जाएंगे, और जो पोल्स पे एनिमल्स रहते हैं वो उतने टेम्परेचर पे भी उनमें बर्फ़ नहीं जमती, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उनमें कुछ एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स मिलती हैं। एक तो सबसे पहले तो क्या मिलता है कि वहाँ पे छोटे मोटे जानवर नहीं मिलेंगे, साइज में कैसे होंगे? बड़े। जो हमने है ना बर्जमान का रूल पढ़ा था ना, एस अपॉन वी का रेशियो क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा? एस अपॉन वी का रेशियो क्या होना चाहिए, कम या ज़्यादा? इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो आप? एस अपॉन वी का रेशियो कम होना चाहिए है ना, सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कुल मिला के बात यह है कि जो बड़े साइज़ के एनिमल होते हैं ऐसा उनमें ही हो पाता है ना, तो वहाँ पे मोस्टली एक तो बड़े साइज़ के एनिमल मिलेंगे, दूसरा जो मोस्टली एनिमल मिलते हैं उनमें फैट की बसा की बहुत मोटी लेयर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर, उसको बोलते हैं ब्लबर बोलते हैं ना, और हिंदी मीडियम वाले सपना ये नाम सुना है, सुना हो किसी ने? नहीं सुना तो फिर ब्लबर ही ठीक है ना, नहीं सुना तो, अरे सुना होगा 11 12th में, अब याद कहाँ से रहेगा। पीयूष ने सुना है, पीयूष ने सुना है, कुल मिला के होता तो, अगर पीयूष ने सुनाया तो होता तो है ना। मतलब फैट की एक मोटी लेयर पाई जाती है जिसको हम ब्लबर या तिमी बसा हिंदी वाले बोलते हैं ना, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब उनके अंदर की जो हीट होगी उसको बाहर रिलीज नहीं होने देती, तो एक तो उनके अंदर की हीट अंदर ही ट्रैप हो जाती है ना, दूसरा क्या होता है उनमें कुछ एंटी फ्रीज प्रोटीन बनती हैं, वो एंटी फ्रीज प्रोटीन क्या करती हैं, अगर किसी सेल में न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो गया, मतलब वहाँ पे बर्फ़ का बनना स्टार्ट हो गया, तो वो उस न्यूक्लिएशन वाले पॉइंट पर जाके उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, तो कुल मिला के न्यूक्लिएशन वहाँ पे नहीं हो पाता, किसकी वजह से? एंटी फ्रीज प्रोटीन की वजह से। तो आप अगर न्यूक्लिएशन नहीं होने दोगे तो टेम्परेचर भले ही कम कर दो लेकिन फिर भी बर्फ़ नहीं जमेगी। पॉलीमराइजेशन के लिए, बर्फ़ जमाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको? न्यूक्लिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, और न्यूक्लिएशन किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है। इसका रियल एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक रील दिखाई थी, जिस रील में आपने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा वो अभी देख लेना, मतलब आपने देखा होगा कि एक पानी लाता है, वो पानी में जैसी उंगली टच करता है पूरी अचानक से विद इन 1 सेकेंड बर्फ़ बन जाती है वो। देखा है एक्सपेरिमेंट, तो वो किसका एग्जाम्पल है? वो क्या नहीं, ये तो अब तो रील में भी देखा होगा ना आपने, जैसे उस जैसे ही उंगली टच करता है वो, तो तुरंत विद इन 1 सेकेंड पूरी बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है पानी वो, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं देखा रे, अभी कोई रील डालो उसमें ग्रुप में। क्या उसमें क्या होता है? वही ये फ्रीजिंग न्यूक्लिएशन वाला ही है, उसमें हम उसको ऐसे सावधानी से रखते हैं कि उसमें न्यूक्लिएशन नहीं मिल पाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता जाएगा लेकिन फिर भी बर्फ़ नहीं जम पाएगी। अब जैसे ही हम उंगली टच करते हैं उस जगह से क्या स्टार्ट हो जाता है? न्यूक्लिएशन मिल जाता है, और न्यूक्लिएशन मिलते ही तुरंत बर्फ़ क्यों बन जाती है? क्योंकि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा कम था, तो वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ़ बन जाती है,
इसका यूटिलाइजेशन है ना, बहुत सारे प्लांट भी करते हैं। बहुत सारे प्लांट क्या करते हैं, -10 डिग्री सेल्सियस पर भी उनके अंदर बर्फ नहीं जम पाती। नहीं मिली रील वो कीर्ति देख रहे भी, रील मिल जाए तो, है ना, अभी देख लेना, रील तो मिल जाएगी अभी। कुल मिला के समझ में आ गया, और ये समझ में आ गया कि किसी भी रिएक्शन की जब शुरुआत होती है तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिएशन बोलते हैं। और न्यूक्लिएशन वाला स्टेप स्लो होता है या फास्ट होता है? न्यूक्लिएशन वाला स्टेप हमेशा कैसा होगा, स्लो होगा। तो देखो, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 3 माइक्रोट्यूबुल थी अपने पास में, 3 माइक्रोट्यूबुल का हम फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, और तीनों के लिए हमने ग्राफ देखा है ना टाइम के साथ में, देखो 1 माइक्रोट्यूबुल के लिए हमको ग्राफ ऐसा देखने को मिला, 1 माइक्रोट्यूबुल के लिए ग्राफ ऐसा देखने को मिला। एक के लिए ऐसा देखने को मिला, ये ए माइक्रोट्यूबुल, ये बी माइक्रोट्यूबुल और ये सी माइक्रोट्यूबुल। इनमें से कौन सी माइक्रोट्यूबुल सबसे पुरानी है? 3 माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन देख रहे हैं हम ना, 1 माइक्रोट्यूबुल फर्स्ट वाली का देखा तो उसका फॉर्मेशन के टाइम पे ऐसा ग्राफ देखने को मिला, ये टाइम और ये लेंथ, यहाँ पे टाइम रहेगा, यहाँ पे अब आपको बताना है कौन सी माइक्रोट्यूबुल सबसे पुरानी होगी, पहले बनना स्टार्ट हुई होगी, ए वाली। देखो ये ग्राफ और ये ग्राफ तो एक जैसे लग रहे हैं लगभग, तो इसका मतलब ये तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हुई है, ये बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट होती है ना उसका ग्राफ है, इसमें लैग फेज आती है। अगर आप फर्स्ट वाली को देखो तो क्या इसमें लैग और लॉग फेज आई है? ना तो लैग फेज आई है ना लॉग फेज आई है, सीधी डायरेक्ट स्टडी फेज मिली है, स्टडी से फिर डिक्लाइन। इसमें देखोगे तो कौन कौन सी फेज मिली है, लैग मिली है इसमें, लॉग से स्टार्ट हुई है, लॉग स्टडी और डिक्लाइन। तो सबसे पुरानी माइक्रोट्यूबुल कौन सी है, ए वाली, है ना, इसमें लैग और लॉग दोनों निकल चुकी थी, डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ है इसमें, स्टडी से हुआ है। इसका मतलब सी वाली जो माइक्रोट्यूबुल है ये सबसे पहले इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका था, ए वाली का, है ना, समझ में आ गया। अब ये यहाँ पे आपको भी इजी लग रहा हो लेकिन जब ऐसे ही डायग्राम एग्जाम में आ जाते हैं ना तो ये समझ में नहीं आता कि ये अटैम्प्ट इसमें करना क्या है, यही समझ में नहीं आता। मोहित समझ में आ गए? तो कौन सी माइक्रोट्यूबुल का फॉर्मेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, ए वाली का सबसे पहले स्टार्ट हो चुका था, इसमें लैग लॉग दोनों ही निकल चुकी हैं, डायरेक्ट कहाँ से मिला है हमें, स्टडी फेज से मिला है, समझ में आ गई बात। तो ये आप डायग्राम बना सकते हो। जहाँ भी डायग्राम आ जाता है ना, कोई ग्राफ आ जाता है तो बस वही दिमाग काम करना बंद कर देता है आप लोगों का। डायग्राम देखते ही आपके दिमाग में सेट हो जाता है कि ये क्वेश्चन हार्ड होगा बस। मीनू पता है ना पेपर आया था नेट का, आपको नहीं मिला ना, आगे भी नहीं मिलेगा। उसी दिन बीएड का एग्जाम था।
बन गई नया बर्फ। क्या चलो है ना, और आप घर जाके कर लेना एक्सपेरिमेंट। आपको एक एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था ना पहले, एक कांच की बोतल लेनी है, उसको फुल पानी से भर देना है और ढक्कन बंद करके उसको फ्रीजर में लगा देना है, फिर रिजल्ट देखना है क्या होता है। कांच की बोतल लेनी है, अगर नहीं हो तो जैसे क्वार्टर पगुआ जो भी आपके आसपास हो उसको भर लेना है ना पानी से, फुल ढक्कन लगा के मतलब फ्रीजर में लगा दो, फिर रिजल्ट बताना है क्या मिलता है उसका। टूट जाएगी हाँ, फिर तो ये बोलोगे ना मैंने तो फ्रिज से आते ही लगाया। बताया तो था कहीं काम बताया था। टूल एंड टैक्निक्स में बताया होगा, जो बॉन्ड पढ़ाए होंगे ना बॉन्ड और इंट्रैक्शन उसमें। चलो है ना, तो न्यूक्लिएशन समझ में आ गया। किसी भी रिएक्शन का जो इनिशिएशन स्टेप है उसको क्या बोला जाता है सपना, न्यूक्लिएशन। और न्यूक्लिएशन की स्पीड फास्ट होती है स्लो होती है, स्लो होती है ना। अगर आप न्यूक्लिएशन को रोक देते हो तो पॉलीमर बनेगा या नहीं बनेगा, न्यूक्लिएशन आपने रोक दिया तो पॉलीमर नहीं बनेगा। तो ये एक एंटी फ्रीज प्रोटीन है, वो भी यही काम करती है ना, वो न्यूक्लिएशन को नहीं होने देती। अब आपको बताया था जैसे ये एक माइक्रोटिब्यूल है, कितने प्रोटोफिलामेंट होते हैं इसमें, 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं। कई बार क्या होता है ऐसी दो माइक्रोटिब्यूल आपस में जुड़ भी जाती हैं, ये दो माइक्रोटिब्यूल आपस में जुड़ गई, इसको तो बोलते हैं हम सिंगलेट, इसको क्या बोलते हैं डबलेट। और अगर ऐसी तीन जुड़ गई तो इसको क्या बोल देंगे ट्रिपलेट। अब ये देखो दो माइक्रोटिब्यूल यहाँ पे जुड़ी हुई हैं आपस में, तो जोड़ने के लिए आपको कोई प्रोटीन चाहिए ना, तो इस प्रोटीन का नाम होता है मैप। मैप का मतलब क्या होता है, नक्शा होता है ना, माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ये माइक्रोटिब्यूल को आपस में जोड़ने के काम में आती है। अब ये नाम कहीं सुने हैं क्या आपने, डबलेट और ट्रिपलेट, डबलेट और ट्रिपलेट। जैसे आपने पढ़ा होगा सीलिया फ्लैजिला, और सीलिया फ्लैजिला में आपने पढ़ा होगा ना 9 डबलेट प्लस 2 सिंगलेट, ऐसे पढ़ा है। तो वहाँ पे डबलेट सिंगलेट का मतलब क्या है, डबलेट का मतलब तो इस फॉर्म में है माइक्रोटिब्यूल, और सिंगलेट का मतलब इस फॉर्म में है। ऐसे ही आपकी होती है तो क्या बोलते हैं तारकाई को, क्या बोलते हैं सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बोलते हैं। तो सेंट्रियोल में आपने पढ़ा होगा 9 ट्रिपलेट प्लस 0, समझ में आ गई बात। मतलब उसमें सेंटर में कुछ भी नहीं मिलता, केवल पैरी फेरी पे मिलती है माइक्रोटिब्यूल 9, वो भी कौन सी फॉर्म में, ट्रिपलेट वाली फॉर्म में। तो ये आपस में डबलेट ट्रिपलेट बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन आती है, माइक्रोटिब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अब इसमें खास बात ये है कि ये जो फर्स्ट वाला जो माइक्रोटिब्यूल होता है इसमें तो 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं, और बाकी के जो रिमेनिंग है उसमें या तो कितने होंगे 10 या फिर 11, इसमें होंगे 13, इसमें 10 या 11, इसमें भी 10 या 11, इतने प्रोटोफिलामेंट होते हैं।
समझ में आ गई बात। पहले प्रोटोफ्लामेंट देखा, प्रोटोफ्लामेंट ने क्या बनाया माइक्रोट्यूब्यूल, फिर माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ी तो उससे क्या बना डबलेट और ट्रिपलेट, और डबलेट ट्रिपलेट बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन आई मैप। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटीन ने जोड़ के रखा है इनको, मैप प्रोटीन ने, ये मैप प्रोटीन है। मैप प्रोटीन माइक्रोट्यूब्यूल को आपस में एसोसिएटेड कराने के काम में आती है। ये छाप लो आप, है ना, डबलेट ट्रिपलेट और क्या बोल रहे हो कहाँ पे, अच्छा कम क्यों हो गए ये भी बताना पड़ेगा बता रहा हूँ अभी, है ना। देखो ये ऐसे जुड़ती हैं सपना, ये दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल आके जुड़ गई, ये तीसरी वाली माइक्रोट्यूब्यूल आके जुड़ गई ऐसे। तो देखो इसमें तो सपना पूरे 13 होंगे, इसमें तो पूरे 13 होंगे, लेकिन इस वाले में देखो ये इतने इसमें काउंट हो गए ना पहले ही, तो इसमें क्या हो जाते हैं ये कम हो जाते हैं। अब ऐसे ही देखो इसमें देखो कम होंगे नहीं होंगे, तो पहली वाली में तो पूरे 13 होंगे, अगर आप इसको इसमें काउंट करते हो तो इसमें कम रह जाएंगे, लेकिन हम इसको पहली वाली में काउंट कर लेते हैं तो दूसरी तीसरी वाली में वो कम रह जाते हैं। फिर सपना ये कितने कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन की, और ये 5 कार्बन की। अब देखो एक रिंग ऐसी भी होती है, दोनों को जोड़ देते हैं ऐसी बन जाती है। अब इसमें कितने कार्बन हैं, इसमें इस रिंग में 6 और इस रिंग में 3 बचे, जबकि थे कितने इसमें 5 थे, 2 कार्बन कहाँ चले गए, अब वो इसमें काउंट हो गए ना। सेम टू सेम यही कहानी इसके साथ में होती है अर्षद ये समझ में आ गया, आरती पूछ रही है आरती की क्लास ले लेंगे बाकी की नहीं होगी आरती की क्लास तो होगी कल बाकी की नहीं होगी हाँ देखो माइक्रोट्यूब्यूल में हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका क्वेश्चन जो मेनली आता है वो इसके फंक्शन को लेके आता है कि जैसे माइक्रोट्यूब्यूल किस किस काम में आती है सेल में। हेलो चलो लिख लिया आपने, तो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स किस काम में आती हैं,
माइक्रोटिब्यूल्स को आपस में अटैच करने के काम में आती हैं ये। अब सब कुछ ले दे के इस माइक्रोटिब्यूल की देन है ना, सेल इसके बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। तो सेंट्रियोल इसको बोलते हैं तारक काय। कितने सेंट्रियोल मिलते हैं अपने सेल में, कितने मिलते हैं आरती? दो मिलते हैं ना। सेंट्रियोल की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये होती है 9 triplet + 0, ये वाली स्ट्रक्चर मिलती है। हो गए कि नौ कंप्लीट? यहाँ बीच में कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? बीच में कुछ भी नहीं मिलता यहाँ पे है ना, बीच में ऐसी कोई माइक्रोटिप्यूल नहीं मिलेगी, बीच में जीरो होता है इसमें, बाकी ऐसे यहाँ पे रेडियल स्पॉक्स निकले हुए रहते हैं। ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई गई है? सेंट्रियोल की बनाई है। और अगर सीलिया और फ्लैजिला की बनाएं तो सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर बनाएं तो इसको कैसी मिलती है? 9 doublet + 2 singlet, ऐसी तो मिलती है। ट्रिपलेट बना दिया, डबलेट बनाना था यहाँ पे। बीच में कितने मिलेंगे? 2 singlet। अच्छा, इसमें कितने प्रोटोफिलामेंट होंगे? इसमें 13 और इसमें 13, इसमें कितने होंगे? 13, बाकी इसमें 10 या 11 होंगे। तो ये जो रेड लाइन में मैंने बनाया रेड कलर में, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रेडियल स्पॉक्स। ये तो आपने पढ़ी होगी ना 12th class में ये स्ट्रक्चर। तो और ये आपस में भी ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, इसको कौन सी प्रोटीन बोला जाता है? इसको बोला जाता है नेक्जिन प्रोटीन। और इसके साथ में अटैच रहती हैं ऐसे डाइनिन आर्म। डाइनिन एक प्रोटीन, अभी देखेंगे ना क्या काम करती है डाइनिन प्रोटीन। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बनाई है? हमने सीलिया और फ्लैजिला की बनाई। अगर सीलिया और फ्लैजिला को कट करके टीएस सेक्शन देखेंगे तो कैसी मिलेगी? ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी उसमें। मतलब वो भी किससे बना हुआ है? सीलिया फ्लैजिला भी मोस्टली माइक्रोटिब्यूल से ही बना हुआ है। माइक्रोटिब्यूल तो है क्या डायने नाम, ये इसी के साथ में माइक्रोटिब्यूल के साथ में जुड़ी हुई है, सभी के साथ में जुड़ी रहती है ऐसे, सबके साथ में जुड़ी रहेगी ना डायनिन नाम। ये क्या काम में आती डायनिन? डाई लगाने के काम में। डायनिन प्रोटीन है, लेकिन किस काम में आती है ये?
किस काम में? ये अपने एग्जाम में नहीं आना है ना इसमें से क्वेश्चन। ये 11th 12th का है ना, ये 11th 12th में पढ़ के आए होंगे आप। प्रकाश नहीं आया, नहीं जरूरत नहीं पड़ती, प्रकाश एक्सपर्ट है। कैसे बनाना है सर? अब ये आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे बनाते हैं। एक बार प्रकाश ने बनाई थी ना, अभी कीर्ति को दे दो, कीर्ति बना लेगी ना। रेखा छाप लिया है? रेखा आपका भाई चुनाव लड़ रहा है, पता है ना इस बार यूनिवर्सिटी से, विकास घोसलिया। नहीं सुना नाम? नहीं मिलेगी तब भी लड़ेगा वो तो। आजकल टिकट वाले कौन से जीतते हैं वैसे भी? टिकट वालों की तो जमानत जब्त होती है, ऐसे वो नरेंद्र यादव की हुई थी पिछली बार। हाँ टिकट वालों की जमानत जब्त होती है यहाँ पे। किसका इलेक्शन का कर दिया तो बढ़िया है। देखो अगर आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तब तो चुनाव लड़ो, क्योंकि महाराजा कॉलेज में चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होगा, आगे यूनिवर्सिटी में भी लड़ना पड़ेगा, और यूनिवर्सिटी में लड़ने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़ रुपए कम से कम चाहिए ना, तब जाके चुनाव लड़ा जा सकता है। और इतना नहीं है तो नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ गाड़ी भी फूटती है 2-4, उसका सब के लिए पैसा चाहिए ना, हॉस्टलों में पैसा बांटना पड़ा। हाँ अब पिछली बार मतलब निर्मल चौधरी को, इसकी सिस्टर को खूब ठोका था पुलिस ने। हाँ दोनों को ही क्या, हाँ खूब लटकाए थे दोनों ने लड़ाई में। क्या आप बना सकते? हाँ लो आप बना लो। किस कौन सा फोन है? ये भी 1+ का, सुनीता का भी, पप्पू का कौन सा है?
ये वाला ये बताना है क्या? अच्छा मिटाना नहीं है अभी। तो रेखा कल आप आओगे? जो आएगा उसका तो फ्री है, जो नहीं आएगा उसके 300 रुपये लिए जाएंगे अगले दिन। दीपिका को यहाँ आ जाना मॉर्निंग में, आप 7:30-8 बजे तक आ जाओ, वहाँ से आ जाएंगे शाम को आराम तक घूम घाम के। क्या करोगे रूम पे? वैसे भी करोगे क्या? क्या कहाँ पर लेके आना पड़ता है? मतलब पीजी में? पाँच बजे तक का तो लेके आना फिर भी, क्योंकि वहीं पास में है ना, जल महल है सब कुछ है ना, तो देख दाख के आ जाएंगे फिर तो। कई लोगों को मौका मिलेगा नहीं वैसे भी। अब लिखो मोटर प्रोटीन। अब क्या लिखेंगे? मोटर प्रोटीन्स। बज गए? इन प्रोटीन के पास में कौन सी एक्टिविटी मिलेगी? ATPase एक्टिविटी मिलेगी। हाँ डायनेन भी है और काइनेशन भी होती है, तो दो प्रोटीन आती हैं इसमें। काइनेशन, डायनेन और एक्टिन मायोसिन। नाम सुना है आपने? ये भी है ना, तो अभी हम काइनेसिन और डायनेन को इसमें कवर करेंगे ना। मेरे को डालना ही नहीं आता अभी कम्युनिटी पोस्ट, वो तो डलवाई थी किसी पे। आप में से कोई संभाल लो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम। सही बनाई होगी वैसे, फ्यूज पे भरोसा है। आगे से भी बना लो एक बार, एक लो फिर उसको दे दो। आगे से बना देना भी एक, हाँ थोड़ी देर बना देना है ना, पहले मैं कुछ कुछ लिख लो इसमें ना, टाइम हो रहा है अभी आपका। हाँ तो मोटर प्रोटीन क्या होती है? जिसके पास में ATPase एक्टिविटी मिलेगी। अब देखो ये किस काम में आती है, जैसे आपने देखा होगा कि कल हमने प्रोटीन टारगेटिंग पढ़ी, तो उसमें बेस साइकिल बनाई थी क्या प्रोटीन टारगेटिंग में? कहाँ से बनाई थी बेस साइकिल? ER से बनाई थी, और ट्रांसगोल्जी से भी बनाई थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बनाई थी। फिर उसके बाद में ये अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जैसे हम भी अपने डेस्टिनेशन तक जाते हैं, तो हमें एक रोड की ज़रूरत पड़ती है और एक व्हीकल की ज़रूरत भी पड़ती है। तो ऐसे ही सेल के पास में भी जब एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोटीन जाती है तो दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो उसके लिए रोड चाहिए और दूसरा एक उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे अपनी एनर्जी का काम तो कौन कर रहा है? डीजल पेट्रोल करता है ना। ऐसे ही सेल के पास में रोड बनाने का काम तो कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने जो बनाया था ना माइक्रोटिब्यूल, इन माइक्रोटिब्यूल का काम क्या है मेनली? सेल के अंदर एक रोड बनाना। माइक्रोटिब्यूल एक रोड की तरह काम करती है ना बेसाइकिल के लिए। दूसरा, अब बेसाइकिल को
मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, मतलब जो वेसाइकल है वो डायरेक्टली ऐसे नहीं कि यहाँ से टूट के दूसरे पहुँच जाएगी, वेसाइकल सेल में रोड के थ्रू जाती है। रोड का काम कौन करता है सेल में? ये जो माइक्रोटिब्यूल है और अभी दूसरा माइक्रोफिलामेंट पढ़ेंगे ना, वो भी एक रोड का काम करते हैं। और बाकी एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? उसके लिए आती है मोटर प्रोटीन्स। तो मोटर प्रोटीन्स में अपने पास में कौन कौन सी है? मेनली काइनेसिन और डायनेन। अब ये काइनेसिन जो प्रोटीन होती है, हेलो, हाँ अब 10 मिनट में करता हूँ ना फ्री होके, ठीक है। काइनेसिन प्रोटीन कैसी होती है? इसके टोटल 14 टाइप होते हैं। कितने टाइप की डिस्कवर कर ली गई आज तक की डेट में? 14 टाइप की टोटल है ना डिस्कवर कर ली गई हैं। और मोस्टली सब की सब कैसी हैं? मोस्टली होती हैं ये प्लस एंड डायरेक्टेड। लेकिन जो काइनेसिन 14 है ये कैसी है? माइनस एंड डायरेक्टेड। और जो आपकी डायनेन होती है ये कैसी होती है? माइनस एंड डायरेक्टेड। काइनेसिन तो कैसी है? प्लस एंड डायरेक्टेड। लेकिन काइनेसिन 14 स्पेशल कैसी है? माइनस एंड डायरेक्टेड। जैसे एक स्टेटमेंट आता है काइनेसिन मोटर प्रोटीन्स आर प्लस एंड डायरेक्टेड, तो सही है गलत है? सही है। और ऐसे आ जाए ऑल काइनेसिन प्रोटीन्स आर प्लस एंड डायरेक्टेड, तो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि काइनेसिन 14 कैसी होती है? माइनस एंड डायरेक्टेड होती है ना। और डायनेन प्रोटीन कैसी हैं सबके सब? माइनस एंड डायरेक्टेड। डायनेसिन प्रोटीन को और किसकी जरूरत पड़ती है? डायनेन प्रोटीन को एक को प्रोटीन है जिसका नाम है डायनेक्टिन, इसकी जरूरत पड़ती है ना, अकेले ये काम नहीं कर सकती, जबकि काइनेसिन प्रोटीन अकेले काम कर सकती है। अब देखेंगे इसको कि ये प्लस एंड क्या है, माइनस एंड डायरेक्टेड क्या है, है ना। इसको देखें पहले, इसको छाप लो जल्दी से। मोटर प्रोटीन का मतलब समझ में आ गया? जब कोई बेसाइकल मूवमेंट करेगी तो उसको मूव कराने के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी ना, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करने के लिए। मोटर का मतलब वैसे भी जानते हो ना क्या होता है? मूवमेंट करना, एक तरह से संचालन करना, तो संचालन में एनर्जी प्रोवाइड करके जाएगी ये। क्या? हाँ, उस दिन आप एब्सेंट थे, तो आज भी आप एब्सेंट ही रहोगे। हाँ, पहले सेल्फी ले लो अपनी, फिर बाद में। हाँ, अभी प्रोजेक्टर ला रहे हैं पहले। अरे स्मार्ट बोर्ड तो मैं ला रहा था, उस दिन प्लान कैंसिल इसलिए हो गया, वो उस दिन रिजल्ट आया ना, तो उस दिन मैंने वीडियो बनाने के लिए गया, मैंने सोचा मोबाइल से रिकॉर्ड करना। ये जो स्मार्ट बोर्ड क्या है उसमें आप इससे रिकॉर्ड नहीं कर सकते मोबाइल से, उसमें लाइनिंग आ जाती हैं, ये बोर्ड तो रिकॉर्ड हो जाता है। तो उस दिन मैं ऑर्डर करने वाला ही था, लेकिन रात में मैं 12 बजे एक वीडियो बनाई उस दिन रिजल्ट के ऊपर, तो उसमें मोबाइल से वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं स्मार्ट बोर्ड पर। अब कैमरा आ रहा है 1 लाख रुपये का और 2.5 लाख रुपये का बोर्ड, तो थोड़ा बजट में काम कर लेते हैं अभी। पहले तो मैं सोच रहा था केवल स्मार्ट बोर्ड मंगा लेते हैं, कैमरा बाद में मंगा लेंगे, पर थोड़ा और रुक जाते हैं 8-10 दिन, बजट बन जाएगा उस हिसाब से मंगा लेंगे। मतलब 4 लाख रुपये मिनिमम पड़ेगा ना कम से कम सेटअप। तो महिपाल,
इस सेशन में तो फिर भी कुछ नहीं कमा पाएंगे ना, क्योंकि 4-5 लाख रुपये और आएंगे, पहले वो बोर्ड के लिए चाहिए। कौन सी वाली? चलो छाप लिया है। अब देखो काइनेशन प्रोटीन कैसे काम करती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है, ये तो पता है ना आपको कि माइक्रोट्यूब्यूल में एक माइनस एंड होता है और एक प्लस एंड होता है। तो सपोज करो इधर है माइक्रोट्यूब्यूल में माइनस एंड और इधर है प्लस एंड, माइनस एंड हो गया प्लस एंड हो गया। ये मान लो ये वाली जगह यहाँ पे अभी हम जयपुर में हैं और ये है कोटा, जयपुर से कोटा जाना है ना। अब ये कोई बाइसाइकिल है, इस बाइसाइकिल को आपको जयपुर टू आगरा कोटा पहुंचाना है, तो ये है माइनस उधर है प्लस, तो अब ये माइनस से प्लस की ओर जाएगी या प्लस से माइनस की ओर आएगी बताओ? जयपुर से कोटा पहुंचाना है तो माइनस से प्लस की ओर ही तो जाएगी। तो जब कोई बाइसाइकिल प्लस की ओर जाती है तो उसको बोलते हैं प्लस एंड डायरेक्ट।